गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू अभी कुछ बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं ज्वाइन कर लीजिए फिर हम स्टार्ट करें ओके okay. तो इन यस्टरडे सेशन वी डिस्कस्ड सम ऑफ द बेसिक टर्म्स की व्हाट अप्रोच वी नीड टू स्टडी दिस सब्जेक्ट एथिक्स

अचीव दोज ऑब्जेक्टिव यही हमने कल पढ़ा है तो कल की क्लास में हमारा डिस्कशन इस चीज पर हुआ कि एथिक्स को पढ़ने के लिए हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए एथिक्स को समझने के लिए हमें कैसा एक अपना थॉट प्रोसेस रखना चाहिए जो कि मैथमेटिक्स और साइंस से डिफरेंट अप्रोच होती है कुछ टर्म्स हमने बात किए थे एक वैल्यू न्यूट्रलिटी वर्ड हमने पढ़ा कि न्यूट्रल माइंड के साथ समझना होगा जो भी थॉट प्रोसेस है वो हमें सुनने होंगे समझने होंगे इवेल्युएट करने होंगे तब कंक्लूजन की बात करनी होगी सडनली हम तुरंत ही कंक्लूजन पे ना पहुंच जाएं या किसी को डिस्कस करने का मौका ना दें ऐसा ना करें दैट इज वैल्यू न्यूट्रलिटी सेकंड टर्म हमने पढ़ा था रीजनिंग माइंड एक तार्किक मस्तिष्क लॉजिक लगाते हो हम चीजों में रीजन अप्लाई करते हो कि विच वन इज गुड और विच वन इज बैड थर्ड इज बैलेंसिंग माइंड एथिक्स को पढ़ने के लिए थर्ड टर्म वी स्टडीड बैलेंसिंग माइंड एंड फोर्थ वॉज कंटिन्यूम अप्रोच कि नो नीड टू फॉलो एक्सट्रीम पाथ इधर दिस एक्सट्रीम और दैट एक्सट्रीम नो वी शुड लाई इन बिटवीन फॉर एग्जाम्पल गुड और बैड बोथ लाई एट द सेम टाइम ऑल्सो विद इन द सेम पर्सन ऑल्सो गुड एंड बैड बोथ एग्जिस्ट तो कंटिन्यूम अप्रोच एक वर्ड हमने पढ़ा था कंटिन्यूम अप्रोच डाइकोटोमी वर्ड आया था उसमें कंटिन्यूम अप्रोच फिर हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे एटीट्यूड का क्या मतलब है एप्टीट्यूड का क्या मतलब है वैल्यू का क्या मीनिंग होता है इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है देन कंसाइंस का क्या मीनिंग है कंसाइंस जब वर्ड आया था तो हमने पढ़ा व्हाट इज सुपर व्हाट इज इड तो दीज टर्म्स वी स्टडीड इन यस्टरडे क्लास सॉरी हमारा क्लास का टाइमिंग है सेवन थर्टी बट आपको जो नोटिफिकेशन आता है सेवन ट्वेंटी फाइव पे तो फाइव मिनट बिफोर द क्लास यू मिनट बिफोर द लाइव सेशन यू मे ज्वाइन द क्लास तो विद इन फाइव मिनट आप रेडी हो सकते हो तो जो भी क्लास का टाइम होगा फाइव मिनट मैंने उसको प्री प्री एक्सेस कर दिया है कि फाइव मिनट में आपको टू मिनट पहले ज्वाइन करना है थ्री मिनट पहले ज्वाइन करना है आपको अपना रेडी रेडी होना है तो बिफोर फाइव मिनट्स फ्रॉम द लाइव सेशन यू कैन ज्वाइन द सेशन यू कैन ज्वाइन द्लास तो सेवन ट्वेंटी फाइव पे यू मे इंटर सेवन ट्वेंटी फाइव पे आप लॉग इन कर सकते हो सेवन थर्टी स्टार्ट तो इन डेली शेड्यूल इन डेली शेड्यूल इन ई एस सी बैच ऑल्सो इन एस एस सी बैच ऑल्सो फाइव मिनट एक्सेस आपको पहले मिल रहा है आप सेवन थर्टी है सेवन ट्वेंटी फाइव पे यू मे ज्वाइन द सेशन वी विल स्टार्ट शार्प सेवन थर्टी हम सेवन थर्टी पर ही शुरू करेंगे आप फाइव मिनट पहले ज्वाइन कर सकते हो ठीक है नाउ से हियर वन ऑफ द टर्म सोसाइटी बेसिक बेसिक टर्मसप्लेनिंग बट सोसाइटी का कोई प्रॉपर रूल रेगुलेशन होना चाहिए फाइव हंड्रेड इय बैक और थाउजेंड इस बैक और टू थाउजेंड इन बैक मे बी देर वर नो कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी नो प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन बट फोर थाउजेंड और फाइव थाउजेंड ईयर बैक मे बी देर वर सोसाइटी, बट फाइव हंड्रेड कंसेप्ट था नहीं, को रूल रेगुलेशन थे नहीं एवरी वन वॉज एवरी वंस एनेमीफोर फाइव हंड्रेड और थाउजेंड ईयर बैक उतने पहले अगर आप देखो एवरी वन वॉज एवरी वंस एनेमी हर किसी का दुश्मन था एक कोई प्रॉपर सेट पैटर्न नहीं था सोसाइटी टाइप का कंसेप्ट नहीं था सोसाइटी का मीन्स क्या होता है सोसाइटी का मीन्स होता है देयर मस्ट बी सम देयर मस्ट बी सम पैरामीटर्स वी नीड टू फॉलो टू लीव विथ प्रोस्पेरिटी एंड हारमोनी इन अवर सराउंडिंग एरिया सोसाइटी का लॉजिक क्या है सोसाइटी गिव यू सिक्योरिटी सोसाइटी गिव्स यू सिक्योरिटी टू लिव क्लियर है तो सोसाइटी का होना क्यों जरूरी है सोसाइटी का होना जरूरी है जिससे आपको एक रूल रेगुलेशन कुछ पैरामीटर होने चाहिए जिससे हम लोग समाज में हारमोनी और पीस के साथ रह सके पर 500 और 1000 ईयर्स बैक ऐसे रूल नहीं होते थे इसलिए आप देखते थे इतनी ज्यादा वॉर होती थी छोटे छोटे स्केल पे लड़ते रहते थे कोई बहुत ऑर्गेनाइज मैनर में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था तो इन सोसाइटी देर आर सम रूल्स सम वेज वन ऑफ द वे इज सोशल कंट्रोल सोशल कंट्रोल तो सोसाइटी में सोसाइटी में लोगों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन होने चाहिए कि नहीं सोसाइटी का मतलब समाज तो सोसाइटी के रूल रेगुलेशन फॉलो करने के लिए सोसाइटी हैविंग सम कंट्रोल ओवर द पीपल और नो अगर सोसाइटी के अंदर आप रह रहे हैं आपके ऊपर कोई रूल रेगुलेशन होने चाहिए कि नहीं क्या कोई किसी का भी मर्डर करने निकल जाए कोई कुछ भी करने लग जाए अगर कोई सोसाइटी के रूल रेगुलेशन नहीं होंगे कुछ नियम कायदे नहीं होंगे तो कोई कुछ भी कर रहा होगा कई बार लोग इसलिए कुछ एक्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनको समाज में शर्मिंदगी होती है ये भी एक अपने आप में बात है कि बगल वाला क्या कहेगा मैं ऐसा एक्ट करूंगा तो दूसरा क्या कहेगा अगर ऐसा कोई रूल नहीं होता अगर ऐसा कोई रूल नहीं होता तो क्या लोग आराम से कंफर्ट के साथ रह पाते बट स्टिल देर आर समीपुल आर नॉट फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स तो दे आर लॉज अवेलेबल टू पनिश दे सोसाइटी में मेजोरिटी को क्या करना चाहिए देर आर सो मेनी सोशल रूल एंड रेगुलेशन तो लोगों के ऊपर क्या होना चाहिए सोशल कंट्रोल so, अगर आपको शर्मिंदगी महसूस होती है या कोई चीज आपको सही गलत पता है कि नहीं करना चाहिए लोग क्या कहेंगे लोग क्या सोचेंगे तो एक तरह का कंट्रोल तो है कि आप किसी गलत चीज की तरफ ना जा पाए तो सोसाइटी सोसाइटी का मेन्स है कि जहां मोस्ट ऑफ द पीपुल मेजोरिटी पीपल को कुछ डिसिप्लिन फॉलो करना है देर आर सम सम बिहेवियर यू नीड टू फॉलो समटाइम्स यू आर यूजिंग वर्ड सर हाई सोसाइटी मिडिल क्लास सोसाइटी लोअर सोसाइटी और आपका माइंड का परसेप्शन क्या होता है चेंज हो जाता है सर इन हाई क्लास सोसाइटी देर इज सम ओपननेस मोर लिबरल मिडिल क्लास सोसाइटी में आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव सोचते हो लोअर क्लास सोसाइटी में आप सोचते हो सर डिफरेंट रूल रेगुलेशन है तो सोसाइटी मीनिंग इज वॉट सोसाइटी में देर आर सम रूल सम रेगुलेशन एंड पीपुल नीड टू फॉलो दैट तो सोसाइटी का मतलब एक रूल रेगुलेशन एक नियम कायदे बने हैं जो लोगों को फॉलो करने चाहिए जिससे स्मूथ फंक्शनिंग हो सके और लोगों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील हो सके अब आप यहां बैठे हो तो आपको ये फियर तो नहीं है ना कि कोई आप पे बम फेंक देगा या आप रोड पर जा रहे हो कोई उठा के आपको बस के सामने फेंक देगा क्योंकि सोसाइटी का एक रूल है थाउजेंड ऑफ पीपल मूविंग ऑन द स्ट्रीट एंड यू आर नॉट फीलिंग एनी फीय इज दू टू सोशल रूल सोशल रेगुलेशन आप अगर मान लो ऑफिस जा रहे हो तो आपको फियर तो नहीं लग रहा कि पीछे से आगे कोई धक्का दे देगा आपको बस के सामने कभी कभी इंसिडेंट होते हैं बट डेली आपको ये फीलिंग तो नहीं आती क्योंकि सोसाइटी का एक ऑर्डर बना है सोसाइटी का एक नियम है एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर है ठीक है अगर ये रूल रेगुलेशन नहीं होते तो फिर क्या होता तो आप अपने घर से भी ना निकल पाते आप अपने घर से भी निकलने में डरते कि पता नहीं क्या हो जाएगा तो सोसाइटी सोसाइटी में देर आर सम रूल रेगुलेशन सम पैरामीटर पीपुल नीड टू फॉलो एंड इट इंश्योर हार्मनी, प्रोस्पेरिटी अमंग द पीपुल ये उस चीज को इंश्योर कर रहा है यू नीड मोर सिक्योर यू आर फीलिंग मोर सिक्योर वन इज सोशल कंट्रोल सोशल कंट्रोल मीन सोसाइटी कंट्रोल ओवर द पीपुल सोसाइटी का कंट्रोल ओवर द पीपुल सोसाइटी के रूल रेगुलेशन ओवर द पीपुल सोशल कंट्रोल देन देर आर टू टर्म्स सोशल कंट्रोल में देर आर टू वेज देर आर टू टर्म्स सोशल कंट्रोल में देर आर टू टर्म्स सेंक्शंस सेंशंस विद इन द सोसाइटी इफ वन पर्सन डूइंग सम गुड वर्क वी आर रिवॉर्डिंग दैम वी आर रिवॉर्डिंग दम रिवार्ड एंड सम पीपुल डूइंग सम क्राइम और डूइंग सम एंटी सोशल एक्ट तो वी आर पनिशिंग दम पनिशमेंट जुडिशियरी इज देअर पनिशमेंट होता है तो कैन वी से रिवार्ड और पनिशमेंट दिस इज वन ऑफ द वे टू सेग्रीगेट कि विच इज एक्सेप्टेबल विद इन द सोसाइटी एंड विच इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी क्या पुरस्कार या किसी को पनिश करना सजा देना एक एक बात का बेंचमार्क है कि सोसाइटी में क्या होना चाहिए किसको सम्मान दें क्या हो और क्या नहीं होना चाहिए कैन सेंक्शन इज वन ऑफ द वे टू सेग्रीगेट विच वन इज एक्सेप्टेबल विच वन इज नॉन एक्सेप्टेबल तो सोसाइटी के नॉर्म्स में सोसाइटी के पैरामीटर में

और कोई पर्सन ऑक्सीजन को ब्लैक में सेल किया था तो उसको पनिश किया जा रहा है क्या एक ये बेंचमार्क है कि सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है और क्या सोसाइटी के अगेंस्ट है तो वन ऑफ़ द वे सोशल कंट्रोल के लिए एक तरीका ये है सोसाइटी में कंट्रोल बनाए रखने के लिए सामाजिक नियंत्रण को स्थापित करने के लिए एक तरीका है रिवार्ड और पनिशमेंट रिवार्ड का मतलब ये नहीं कि आप किसी को मनी ऑफर कर रहे हो या मेडल दे रहे हो

क्योंकि पनिशमेंट का फियर लोगों में होगा सोसाइटी में उनकी इमेज खराब होगी रिवार्ड करेंगे तो और लोगों को मोटिवेशन आएगा अच्छा काम करेंगे किसी को अगर रिवार्ड मिलता है तो आपको भी लगता है कि यार मुझे भी ये करना चाहिए था सोसाइटी में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है अप्रिसिएशन है रिस्पेक्ट है पर किसी को पनिश किया जाता है सोसाइटी में क्या उसको कंडेम किया जाता है कि ये तो गलत है निंदा की जाती है और सोशल कंट्रोल सेकेंड वे इज सोशलाइजेशन वन ऑफ द टर्म इज सोशलाइजेशन सोशलाइजेशन इन हिंदी इट इज नोन सोसाइटी समाज सोशल कंट्रोल सामाजिक नियंत्रण सोशलाइजेशन समाजीकरण समाजीकरण तो सोसाइटी में वन इज सोशल कंट्रोल सोसाइटी कंट्रोल ओवर द दीपुल सोसाइटी के अंदर जो नॉर्म्स हैं जो पैरामीटर हैं उसका नियंत्रण लोगों पर होना तो कंट्रोल का देर आर टू वेज वन इज सेंशन रिवार्ड और पनिशमेंट के द्वारा कंट्रोल स्थापित करना एंड सेकेंड वर्ड इज सोशलाइजेशन तो नेक्स्ट टर्म इज सोशलाइजेशन यहां तक कोई वर्ड क्लियर नहीं हुआ तो बताओ फॉर एग्जाम्पल आप एक सोसाइटी में रहते हो आप एक सोसाइटी में रहते हो उस सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स बने हैं कुछ डिसिप्लिन है फॉर एग्जाम्पल आप फ्लैट में रहते हो आई एम टेकिंग वन सिंपल एग्जाम्पल हियर आप किसी अपार्टमेंट में रहते हो तो विदिन दिस प्रिमाइस देर आर रूल रेगुलेशन और नो आपकी सोसाइटी आपके अपार्टमेंट जहां पर रहते हैं उस पर्टिकुलर प्रेम के अंदर क्या कुछ रूल रेगुलेशन है हम एक स्मॉल सैंपल साइज ले रहे हैं एक छोटा एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अपार्टमेंट में जहां आप रहते हो वहां कई सारी थाउजेंड फैमिलीज रह रही हैं फॉर एग्जाम्पल तो क्या उस सोसाइटी के लिए कुछ नॉर्म्स है कुछ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनी होगी आरडब्ल्यू बना होगा कुछ रूल रेगुलेशन होंगे तो उसके द्वारा वो सोसाइटी के लोगों पर एक कंट्रोल स्टैब्लिश कर रहे हैं कि कोई सोसाइटी में कुछ भी ना करने लगे कि हर कोई अपने घर में फाइव डॉग रखने लग जाए और डॉग भी पिटबुल कैटेगरी का डॉग रखने लग जाए तो कुछ रूल रेगुलेशन उस सोसाइटी उस आर ने बनाए हैं कि नहीं दैट इज वन ऑफ द वे टू कंट्रोल स्मॉल स्केल पे एग्जांपल दे रहा हूं मैं ये कंट्रोल है कि नहीं तो जो रूल रेगुलेशन आर ने बनाए वो कंट्रोल स्टैब्लिश कर रहे हैं टाइम टाइम पर उस सोसाइटी उस अपार्टमेंट के लोगों को वो रिवॉर्ड भी करते हैं किसी किसी को पनिश भी करते हैं कोई उसके लिए रूल लगा दिया कोई बैन कर दिया तो इसी को आप बड़े स्केल पर सोच लो सेम एग्जाम्पल वी कैन स्केल अप लाइक इन वन सिटी इन वन टाउन इन वन कंट्री तो आई एम टेकिंग सिंपल एग्जाम्पल सोसाइटी एंड यू कैन स्केल अप दिस एग्जाम्पल लाइक टाउन सिटी कंट्री तो सिमिलर टाइप ऑफ मेथड वी आर फॉलोइंग नो पॉइंट समझ आ रहा है क्या तो सोसाइटी देन सोशल कंट्रोल सोशल कंट्रोल करने का एक तरीका सेंक्शन रिवार्ड करना और पनिश करना सेकेंड टाइप ऑफ कंट्रोल इज सोशलाइजेशन सेकेंड टाइप ऑफ कंट्रोल इज सोशलाइजेशन नाउ वन ऑफ द एग्जांपल। सी वन एग्जांपल हियर देर इज वन चाइल्ड वन चाइल्ड तो चाइल्ड में दिस चाइल्ड मे बी सोशल मे बी अनसोशल में बी एंटी सोशल मे बी ए सोशल वॉट डज इट मीन वन एग्जाम्पल आई एम टेकिंग हियर सोशल अनसोशल एंटी सोशल असोशल वॉट डज इट मीन सोशल मीनिंग सामाजिक की यू आर हेल्पिंग सम वन यू आर वेरी काइंड यू आर वेरी लिबरल पर्सन यू आर गिविंग फूड टू बेगर्स और यू आर हेल्पिंग एल्डर पीपुल ऑल्सो तो सोशल मीन्स क्या सामाजिक सोसाइटी के लिए जो वेलफेयर में है यू आर डूइंग सोशल गुड थिंग्स यू आर डूंग सोशली गुड थिंग्स सामाजिक फॉर एग्जाम्पल आप रोड पर जा रहे थे और रोड पर कोई, कोई इशू हो रहा था बिटवीन टू टू पीपुलच अदर एंड यू आर सोशल काइंड ऑफ पर्सन यू आर सोशल काइंड ऑफ पर्सन यू इंटरवीन इन दैट क्लैश इंटरवीन एंड यू रिजोल्व द इशू क्लियर आपने दोनों को सेपरेट किया दो, दोनों फाइट कर रहे थे आपने उसको वॉटर ऑफर किया एक को फूड ऑफर किया दोनों में हैंडशेक कराया और दोनों को घर भेज दिया तो यू आर सोशल और अनसोशल कैसे पर्सन हो आप ये सोशल हुआ या अनसोशल हुआ राजूल तुम बताओगे इसका जवाब रास्ते पर दो लोग झगड़ा कर रहे थे तुम अचानक पहुंचे तुमसे वो देखा नहीं कई लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे कुछ लोग रास्ते से चले गए तुमसे देखा नहीं गया तुम गाड़ी से उतरे तुमने दोनों को छुड़ाया खाना पीना दिया पानी दिया दोनों को समझाया और दोस्ती करा के तभी वापस गए तो आप किस तरह के पर्सन हो सोशल अनसोशल एंटी सोशल ए सोशल सोशल वेरी गुड कृष्णा अभी वीडियो ठीक चल रहा है कृष्णा अभी वीडियो ठीक चल रहा है ओके तो यू आर सोशल पर्सन तो सोशल मीनिंग सोशल पैरामीटर सोसाइटी नॉर्म्स में यू आर कंट्रीब्यूटिंग यू आर डूइंग गुड थिंग फॉर द सोसाइटी ंग गुड थिंग फॉर द सोसाइटी कृष्णा वो फोर के वाला इशू आप ही का था क्या वो पॉलिटी की क्लास में फोर के वाला प्रॉब्लम आप ही का था कृष्णा आप पॉलिटी वाली क्लास भी कर रहे हो क्या कृष्णा ओके okay. सिर्फ यस वीडियो की क्लैरिटी में और वॉइस में कोई प्रॉब्लम है किसी को इज देर एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी एनी वन एनी इशू विद वीडियो और ऑडियो क्वालिटी ओके तो सोशली सोशली यू आर डूइंग गुड थिंग्स यू आर सोशल पर्सन सेकेंड इज अनसोशल अनसोशल राजूल इन हिंदी अनसोशल मीनिंग असामाजिक 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 अनसोशल मीन्स आई एम नॉट से नो अनसोशल मीनिंग इज यू आर इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज टू ज्वाइन एनी मैरिज फंक्शन और बर्थडे पार्टी यू आर नॉट दैट मीस सोशल काइंड ऑफ पर्सन यू आर इंट्रोवर्ट टाइप दैट इज अनसोशल आई एम नॉट से गुन टाइप और यू आर क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस इज नो अनसोशल इज नॉट निगेटिव वर्ड अनसोशल मीनिंग यू आर रिस्ट्रिक्टिंग यूर सेल्फ फ्रॉम इंडलजिंग इन सोशल एक्टिविटीज यू आर रिस्ट्रिक्टिंग यूर सेल्फ इन इंडलजिंग सोशल एक्टिविटीज आपको गैदरिंग नहीं पसंद है आप मैरिजेस नहीं अटेंड करना चाहते बहुत ज्यादा लोगों से मिलना आपको नहीं पसंद है बहुत बात करना नहीं पसंद है दैट इज अनसोशल आप लोगों में भी होंगे कई लोग दैट इज असामाजिक अनसोशल का मतलब है आपको बहुत गैदरिंग या लोगों में मिलना है सोसाइटी में मिक्सअप होना आप इतने ओपन पर्सन नहीं हो आप इंट्रोवर्ट टाइप हो कोई निगेटिव बात नहीं है इंट्रोवर्ट होना भी कोई बुरा नहीं है कई बार आपको यही यस यू आर नॉट मिंगलिंग विद सोसाइटी करेक्ट दैट इज अनसोशल थर्ड इज एंटी सोशल यू आर क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस इन द सोसाइटी नाउ दैट इज नॉट गुड एंटी सोशल मीनिंग इज बैड यू आर इन्वॉल्विंग इन राइट यू आर डैमेजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी यू आर डूइंग सम टेररिस्ट टाइप ऑफ एक्टिविटी एंटी सोशल यू आर डिस्टर्बिंग सोशल स्ट्रेटा यू आर डिस्टर्बिंग सोशल स्ट्रक्चर दैट इज एंटी सोशल ठीक है आप स्टोन पेल्टिंग कर रहे हो आप बिल्डिंग डैमेज कर रहे हो आप वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हो एंटी सोशल मीन्स समाज रोधी समाज रोधी बोलते हैं इसको ठीक है एंटी सोशल मीन्स समाज रोधी तो आप सोसाइटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो सोशल स्ट्रक्चर को आप डिस्टर्ब कर रहे हो वॉट इज अल असोशल मीन्स यू कैन से न्यूट्रल काइंड ऑफ पर्सन हैविंग नो सेंस कि आइदर वी आर डूइंग वेलफेयर और अगेंस्ट द सोसाइटी दिस पर्सन हैविंग नो आइडिया फॉर एग्जाम्पल थ्री मंथ चाइल्ड कैन यू कैटेगराइज थ्री मंथ चाइल्ड इन टू एनिंग ऑफ दिस कैटेगरी थ्री मंथ चाइल्ड कैन यू से थ्री मंथ का चाइल्ड सोशल है This child having no sense ki what is society or what is social no three month child is unsocial introvert type no three month child is antisocial social no तो nuisance type या yeah, neutral type of person having no sense regarding the society a social neutral kind of person मतलब को छोटा सा बच्चा है तीन महीने का उसे समाज का क्या पता वो सामाजिक भी नहीं है वो अ सामाजिक भी नहीं है वो समाज विरोधी भी नहीं है This fourth category is known as Ashoshan. Asocial. A -social. clear? Nenmadi, are you comfortable with English or Hindi both? I am repeating all the things in both the language. Are you comfortable or still you are facing some problem? Nenmadi, are you comfortable with the English? Everything I am repeating both. So today is second class, na? Right? कंफर्टेबल ओके हिंदी स्टूडेंट एनी वन एनी प्रॉब्लम हिंदी स्टूडेंट में एनी वन एनी इशू तो इन द सेम मैनर वी विल कंप्लीट दिस सिलेबस दिस सब्जेक्ट कंफर्टेबली नो इशू टू क्लासेस में नाउ यू हैव एन आइडिया कि सर हमें ईजिली सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा तो टू और थ्री क्लास में फ्रिक्वेंसी मैच कर जाती है आप उसको इजिली कनेक्ट कर पाते हो क्लियर है ओके नहीं कोई ज्यादा हिंदी वाला बच्चा हो कि उसको समझ नहीं आ रहा मैं रिपीट दोनों में कर रहा हूं कोई वर्ड ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी में नहीं बोल रहा हूं ठीक तो असोशल मीन्स एग्जाम्पल यू मे टेक थ्री मंथ चाइल्ड तीन महीने के बच्चे को नहीं पता क्या सोशल क्या एंटी सोशल थ्री मंथ चाइल्ड का फर्स्ट टीचर कौन है असोशल असोशल मीन्स यू कैन से न्यूट्रल काइंड ऑफ पर्सन न्यूट्रल सोशल का मीनू नो आइडिया अबाउट दी सोसाइटी के बारे में चाइल्ड को अगर आप प्रॉपर उसकी अपब्रिंगिंग करें सही से उसकी परवरिश की जाए सही से उसको टेक केयर किया जाए तो यू कैन शेप अप दिस चाइल्ड टू बी अलन इन द फ्यूचर और अन सोशल और एंटी सोशल कैन वी से योर अपब्रिंगिंग ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन यूर नेचर इन योर करेक्टर कि फॉर एग्जाम्पल यूर सी आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन तो आपकी अपब्रिंगिंग का कोई रोल है जब आप बैठकर सोचते हो सर मैं बचपन से कैसा रहा हूं कि सर इन माई चाइल्डहुड आई वॉज वेरी लोनली टाइप ऑफ चाइल्ड की बोथ पेरेंट्स वर वर्किंग नाउ आई एम एन इंट्रोवर्ट और इन माई फैमिली देर वर ह्यूज गैदरिंग पर ईयर मोर देन सेवन टू एट फंक्शन सेलिब्रेटेड आई एम सोशल काइंड ऑफ पर्सन और सर इन माई चाइल्डहुड आई सॉ लॉट ऑफ राइट्स लॉट ऑफ वायलेंस कास्टिजम रिलीजियन एक्सट्रीमिज्म आई फील दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी तो यूर अब्रिंगिंग एंड द सोसाइटी वेयर यू बिलोंग्स फ्रॉम हैविंग सम रोल इन यूर नेचर और थॉट प्रोसेस और टू हम जिस सोसाइटी में पले बढ़े हैं क्या उसका हमारी समझ पर हमारी सोच पर क्या कोई असर होता है हम एक सोसाइटी में रहे जहाँ मैं अकेला बच्चा था माता पिता का और आ, मदर फादर दोनों वर्किंग थे और मैं अकेले रहता था तो मैं किसी से कनेक्ट नहीं कर पाता था या मुझे किसी से बात करने में शिवरिंग होती थी कांपता था कई बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है कि सर कभी कभी मैं डिप्रेस होने लगता हूँ ठीक है या मैं फेस टू फेस बात नहीं कर पाता कहना कुछ और चाहता हूँ निकल बात कुछ और जाती है सडनली डिसीजन नहीं ले पाता हूं ऐसा होता है बहुत दैट इज साइकोलॉजी, ये सब साइकोलॉजी है तो आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है उसका इम्पैक्ट आपके ओवरऑल नेचर पर पड़ता भी है तो असोशल एक न्यूट्रल थ्री मंथ का बच्चा है उस थ्री मंथ के बच्चे की ट्रेनिंग कैसी हुई देयर मे बी अ चांस कि योर फैमिली वॉज वेरी गुड वेरी हाई इंटेलेक्चुअल फैमिली फादर पी एच डी मदर मास्टर्स किए हुए हैं टीचर हैं बट देर मे बी अ चांस कि चाइल्ड जो है चाइल्ड में फॉलो सम डिफरेंट पाथ मे बिकम क्रिमिनल स्टिल देर आर चांसेस बट देर इज मोर देन एट्टी टू नाइनटी परसेंट प्रॉबेबिलिटी यू कैन से देर आर ऑल द एक्सेप्शन एग्जिस्ट इन द सोसाइटी इन अवर सराउंडिंग इफ यू वॉन्ट टू चेक न ऑल काइंड ऑफ एक्सेप्शन एग्जिस्ट देर इज नो गारंटी कि योर अपब्रिंगिंग इज गुड यू मस्ट बिकम सम गुड पर्सन देर इज नो गारंटी क्लियर है बट एट्टी टू नाइंटी परसेंट प्रॉबिलिटी इज देयर इफ यूर अपब्रिंगिंग इज गुड इफ यूर बिलोंग्स फ्रॉम द गुड सोसाइटी इन योर सराउंडिंग एनवायरमेंट वॉज गुड देन देर मे बी ए चांस एट्टी टू नाइनटी परसेंट प्रॉबिलिटी यू मे बी सोशल पर्सन बट स्टिल देर आर चांस टेन टू ट्वेंटी परसेंट प्रॉबिलिटी स्टिल देयर की फैमिली कंडीशन इज गुड सोसाइटी इज गुड इनवायरमेंट इज गुड बट यू डेविएटेड फ्रॉम यूर पाथ ऐसा होता है कि समाज में जिस सोसाइटी को आप बिलोंग कर रहे हो जैसी आपकी फैमिली कंडीशन है सेवन टू ट्वेंटी परसेंट इवन नाइन्टी परसेंट चांस है कि आप अच्छे निकल जाओ आप सामाजिक व्यक्ति बन जाओ पर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत अच्छी सोसाइटी होने के बाद अब ब्रिंगिंग अच्छी होने के बाद डॉक्टर्स तक के बेटे क्रिमिनल निकल गए आगे जाकर उसका क्या अब ब्रिंगिंग में कमी नहीं थी सोसाइटी अच्छी थी मनी का इश्यू नहीं था उनका माइंड पता नहीं कैसे डाइवर्ट हुआ ब्रेन वॉशिंग हो गई कि वो क्रिमिनल निकल गए अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग टेररिस्ट बन जाते हैं कुछ तो होता होगा ऐसा तो देर इज मोर देन एटी परसेंट प्रॉबिलिटी सोशल सोशल पर्सन बट स्टिल आर चांसेस सोसाइटी इज गुड कंडीशन आर गुड फैमिली कंडीशन आर गुड देर इज नो मनी रिलेटेड प्रॉब्लम बट स्टिल पर्सन डेविएटेड फ्रॉम द पाथ एंड बिकम टेररिस्ट ऑल द परमोटेशन कॉम्बिनेशन आर एग्जिस्ट इन अवर सराउंडिंग हर तरह की कंडीशन आपको मिल जाएगी पर ये कंफर्म हो गया कि हमारी अपब्रिंगिंग का रोल तो है तो फर्स्ट टीचर इज अवर मदर चाइल्ड जो है सबसे ज्यादा लर्निंग किससे होता है मदर से मैक्सिमम मदर तो मदर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस बच्चे की शेपिंग में मदर का जो रोल है इज वेरी इंपॉर्टेंट इन शेपिंग द चाइल्ड बिकॉज फर्स्ट टीचर है मदर देन फादर फैमिली देन टीचर तो मदर फादर टीचर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग अ गुड सोसाइटी अगर मदर फादर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे और टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा तो सोसाइटी लिवेबल नहीं रह पाएगी क्लियर है तो मदर फादर फैमिली टीचर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग गुड सोसाइटी इन बिल्डिंग अवर गुड सराउंडिंग इफ टीचर नॉट प्लेइंग रोल प्रॉपरली तो दिस सोसाइटी विल विल लाइक यू कैन से हेल लाइक कंडीशन विल विल अराइज यू कांट लिव इन दैट अगर टीचर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले फैमिली भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले तो आप रह नहीं सकते सोसाइटी में सब कोई क्रिमिनल की तरह एक्ट करने लग जाएगा जैसे आप रोड रेस की कंडीशन देखते हो रोड रेस और यू कैन से रेप केसेस रोड रेस केसेस रेप केसेस और यू कैन से

सोशल पर्सन टू सोशल पर्सन दट इज नोन एज सोशलाइजेशन दिस प्रोसेस इज नोन एज सोशलाइजेशन अल सोशल टू सोशल की जर्नी सोशल टू सोशल मतलब आपसे पूछे व्हाट इज सोशलाइजेशन सोशल पर्सन को न्यूट्रल पर्सन को सोसाइटी की तरफ डेविएट करना सोशल बनाना दैट प्रोसेस इज सोशलाइजेशन कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए ना यू कैन अंडरस्टैंड यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नो असोशल पर्सन को सोशल की तरफ शिफ्ट करना उसको अपब्रिंगिंग अच्छी करना कि एक न्यूट्रल पर्सन है एक न्यूट्रल चाइल्ड है उसके माइंड को शेप अप करके सोशल की तरफ शिफ्ट करना जैसे जैसे वो ग्रो करेगा सोशल की तरफ ग्रो करेगा इसकी थिंकिंग ऐसी होगी सोसाइटी से कनेक्टेड फील करेगा दैट प्रोसेस इज सोशलाइजेशन ये समझ आया क्या तो सोशल कंट्रोल में देर आर टू पॉइंट्स। सोशल कंट्रोल में देर आर टू पॉइंट्स। वन इज सेंशन पनिशमेंट और रिवार्ड के द्वारा सेकेंड इज फैमिली का जो प्रोसेस है सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है असोशल को सोशल बनाना दैट इज सोशलाइजेशन ऑल द टर्म्स आर क्लियर राजुल पहले आप बताओ एक बच्चा जिसको समाज का कुछ नहीं आता पता अच्छा बुरे की जानकारी नहीं है उसका परिवार उसका टीचर उसको भाई छोटा बच्चा बहुत शरारती होता है कि बिल्कुल समझ लो इतना उत्पाती कुछ कुछ बच्चे तो इतने शरारती होते हैं तोड़ फोड़ करना कुछ भी बोलना उनको समझ ही नहीं है तो कैसे उनको सही ट्रैक पर लाया जाए आप जो कहोगे वो उसका उल्टा करेगा तो कैसे उसको सही डायरेक्शन में लाया जाए सही दिशा में लाया जाए भाई मां बाप उसको डांट कर पीट कर या टीचर पहले पीटते थे आज तो पीटते नहीं उसको गधे से इंसान बनाने की प्रक्रिया एक वर्ड में अगर कहें तो गधे को इंसान बनाने की प्रक्रिया है सोशलाइजेशन समाजीकरण इन हिंदी न पॉइंट इज क्लियर और नो स्मॉल चाइल्ड इज वेरी नोटी ना क्रिएटिंग लॉट ऑफ टर्बुलेंस इन द फैमिली डंकी लाइक तो हाउ टू कन्वर्ट डंकी इनटू ह्यूमन अ सोशल पर्सन टू सोशल पर्सन दैट इज सोशलाइजेशन वेरी इजी जिसको समाज का आता पता नहीं न्यूट्रल है तटस्थ है उसको नहीं पता उसको सामाजिक कैसे समाज का ज्ञान कैसे दिया जाए क्या सोशल स्टैंडर्ड्स होते हैं समाज में कैसे वो रहे समाज का वो कैसे हिस्सा बने समाज से वो कैसे कनेक्टेड रहे वो बच्चा आगे जाकर उसको प्रॉब्लम ना हो वो सामाजिक कैसे हो कैसे लोगों से कनेक्टेड फील करे जिससे एक बेहतर समाज के निर्माण में उसका भी योगदान हो सके क्योंकि सोसाइटी के साथ चलना है सोसाइटी से कनेक्ट होकर चलना पड़ेगा ठीक है एंड सोसाइटी प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ फॉर एग्जाम्पल कि अराउंड टू ए एम इन द नाइट यू आर लिविंग इन सम अर्बन एरिया लाइक पुणे और टू ए एम इन द नाइट यू आर हैविंग सम फीवर सम प्रॉब्लम और आपने कॉल किया आपके नेबरहुड में आपके नेबरहुड में सडनली फोर टू फाइव नेबर केम एंड शिफ्टेड यू टू हॉस्पिटल दे इज गुड और बैड इज ऑल्सो ड्यू टू सोसाइटी मोर गुड एग्जाम्पल इन विलेज इफ एनी पर्सन है टोटल होल विलेज वो वहां पर इकट्ठा हो जाता है कलेक्ट हो जाते हैं एंड दे आर विलिंग टू हेल्प यू ज नथिंग बट सोसाइटी कंसेप्ट इंडियन सोसाइटी का जो कंसेप्ट है वो भी बहुत जबरदस्त है इफ यू कम्पेयर इंडियन सोसाइटी इंडिया में मैरिज में फाइव हंड्रेड गैदरिंग सिक्स हंड्रेड गैदरिंग तो दैट इज नथिंग बट सोशल बॉन्डिंग ना यूरोप में ट्वेंटी पीपुल अटेंडिंग वेडिंग सेरेमनी इंडिया में सम फेस्टिवल इज देयर ह्यूज गैदरिंग या कोई फॉर एग्जाम्पल फेस्टिवल और इवेंट

आपका एनिमी भी जो होगा वो पहुंचेगा जरूर एक यहां पर इमोशनल कनेक्ट की बात है जो ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर टू वेस्ट इमोशनल कनेक्शन इमोशनल वननेस यहां पर ज्यादा है बट इन इंडिया ऑल्सो नाउ वी आर फॉलोइंग वेस्ट इंडियन सोसाइटी में देर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स लाइक इमोशनल बॉन्डिंग इज वेरी एक्सीलेंट बट नाउ वी आर शिफ्टिंग टू वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न सोसाइटी टाइप in our thinking or in youth perception in the modernization they are following western system and they are thinking the westerns are more modernized than us and we are following that path and we are losing our route nowadays even western people shifting to india to learn spirituality from here india is the motherland of spirituality they are following us and now we are following we are shifting to western life. वेस्टर्न आइडियोलॉजी इंडिया अपने आप में एक महान देश रहा है हमारी सोसाइटी का कंसेप्ट हमारा जो एक स्पिरिचुअलिटी है अध्यात्म है हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारी जो बुक्स हैं, वो ऑलरेडी बॉन्डिंग की बात करते हैं इमोशनल कनेक्ट की बात करते हैं वी आर सेइंग ना वसुधैव कुटुंबकम, जी ट्वेंटी में भी हमने थीम यूज किया जी ट्वेंटी मीटिंग में वसुधैव कुटुम्बकम की होल वर्ल्ड इज अवर फैमिली लाइक तो हमारे तो ग्रंथों में बहुत पहले ही लिखा गया है कि पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है वसुधैव कुटुंबकम पूरा संसार हमारे घर की तरह है हम उसी आइडियोलॉजी को मानते हैं तो इतने हजार साल पहले जो चीजें लिखी गई हैं उनमें भी ये बात की गई है इमोशनल कनेक्ट इमोशनल बेंडिंग बॉन्डिंग जब वेस्ट को पता भी नहीं था तो स्पिरिचुअलिटी का तो मदरलैंड भी इंडिया है वो इवन इंडिया को फॉलो करते हैं और हम लोग क्या करते हैं येलो शर्ट रेड पैंट पैंट में भी जींस में कट लगा लिया वेस्ट को कॉपी करते हैं तो आपको लगता है कि मैं थोड़ा वेस्टर्न टाइप दिखूंगा थोड़ा अंग्रेज टाइप फील कर होगा और जैसे ही आप वैसे बनते हो तुरंत पकड़ में आ जाता है कि ये तो पक्का मुंबई में रहता है दिल्ली में रहता है तो आप वेस्टर्न भी नहीं बन पाए इंडियन भी नहीं रह पाए बीच में आकर उल्लू बन गए आजकल एक ट्रेंड है ना कि वेस्ट को कॉपी करने के चक्कर में ज्यादा मॉडर्नाइज दिखना चाहते हैं गूगल्स लगाएंगे ऐसे येलो कलर के गूगल्स तो वेस्ट की तरह तो दिखते नहीं तुरंत पकड़ में आ जाते हैं ये पक्का यही रहता है अगल बगल में कहीं तो वेस्टर्न भी नहीं बन पाए इंडियन भी नहीं बन पाए बीच में आके उल्लू बन गए तो वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर ओन रूट्स अवर ओन कल्चर अवर ओन सोसाइटी अवर ओन स्पिरिचुअलिटी नो नीड टू फॉलो वेस्ट इन द थिंग्स यू मे एडमायर वेस्ट लाइक टेक्नोलॉजिकली देर एडवांस क्लियर बट इन दिस थिंग्स स्पिरिचुअलिटी फॉर एग्जाम्पल और यू कैन से सोसाइटी कल्चर इंडियन वैल्यू सिस्टम आर वेरी स्ट्रॉन्ग इवन दे आर फॉलोइंगेस्ट में फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर फैमिली कंसेप्ट इज देयर की आफ्टर एटीन ईयर और ट्वेंटी ईयर ऑफ एज जो चाइल्ड होता है जो सन या डॉटर होता है वो अपने होम को पिट कर देते हैं होम को छोड़ देते हैं और ओल्ड एज में जो मदर फादर होते हैं उनके पास कोई सपोर्ट है डॉटर लिविंग सेपरेटली न्यूक्लियर फैमिली कंसेप्ट इंडिया में ज्वाइंट फैमिली कंसेप्टी फॉलोड फ्रॉम पास थाउजेंडर्स बट इन पासो एडोप्टिंग न्यूक्लियर फैमिली कंसेप्ट विद इन द फैमिली देर आर मल्टीपल कंफ्लिक्ट इंडिया में बट स्टिल इफ यू सी गुजरात गुजरात में ज्वाइंट फैमिली कंसेप्ट स्टिल परसिस्ट क्लियर है बट अर्बन एरियाज में न्यूक्लियर फैमिली कंसेप्ट आ रहा है अब आप बताओ कोविड का टाइम में कोविड का टाइम में इन एवरी सेकेंड फैमिली प्रॉब्लम तो फैमिली इज गुड नॉट टू सपोर्ट यू फॉर यू आर फीलिंग डाउन यू आर फीलिंग लो तो योर ओन फैमिली विल सपोर्ट यू ना बट ग्रोथ मोर एस्पिश मोर पीपल शिफ्टिंग टू न्यूक्लियर फैमिली कंसेप्ट एंड देर आर मल्टीपल प्रॉब्लम फैमिली कंसेप्ट मल्टीपल जो न्यूक्लियर फैमिली कंसेप्ट है या ज्वाइंट फैमिली कंसेप्ट इस पर भी बात हो सकती है फॉर एग्जाम्पल यूरोप है वो लोग न्यूक्लियर फैमिली कंसेप्ट फॉलो करते हैं और उनको ओल्ड एज में भी अपने आप को फिट रखना पड़ता है आपको अंग्रेज लोग क्यों इतने फिट दिखते हैं उन्हें मालूम है कि 18 ईयर की एज के बाद उनका लड़का या लड़की सेपरेटली रहते हैं अलग रहते हैं अपने फादर से मिलने के लिए उनको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है वेस्ट में वहाँ कल्चर है अपने फादर से मिलना हो तो उनको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है मल्टीपल मैरिजेस करते हैं डिवोर्स केसेस मैक्सिमम अमेरिका यूरोप इंडिया में डिवोर्स वगैरह नहीं होते थे यहाँ पे फैमिली अपब्रिंगिंग ऐसी है कि आपने अपने मदर फादर में ऐसा नहीं देखा आपने अपनी बड़ी सिस्टर के केस में ऐसा नहीं देखा तो आप अपनी वाइफ के साथ भी ऐसा नहीं सोचते एक इमोशनल बॉन्डिंग है इंडिया में यूरोप में ऐसा नहीं अमेरिका में नहीं मल्टीपल मैरिजेस करते हैं वो गिव एंड टेक रिलेशन चलता है वहां इंडिया इंडियन का सिस्टम क्या है इंडिया गिव में ज्यादा बिलीव करता है इन रिस्पॉन्स वी आर नथिंग वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग हमारा जो कल्चर है हमारी जो बुक्स हैं हम लोग गिव वाले में ज्यादा बिलीव करते हैं कि किसी की हेल्प कर दें बदले में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे वहां चलता है बायर और सेलर वाला कंसेप्ट गिव एंड टेक रिलेशन यहां हम इतने प्रैक्टिकल नहीं हुए अभी तो कई बार आपके ग्रांड पेरेंट्स आपने सुना होगा वो कहते हैं कि हम अपना सिस्टम छोड़ते जा रहे हैं या पता नहीं आज के बच्चों को क्या हो गया वो बेसिकली इसी की बात करते हैं जो मैं बोल रहा हूँ ग्रांड पेरेंट यूजिंग दिस टर्म ना कि वी आर लूजिंग अवर वैल्यूज दे आर सेथिंग बट सेम थिंग वट एम से जब वो कहते हैं कि हम अपनी वैल्यूज खो रहे हैं आज के बच्चों में बड़ों को सम्मान नहीं कर पाते हैं या ये, ये यो कल्चर जो चला है आज कल तो ये ठीक नहीं है करेक्ट तो सोशलाइजेशन में समाजीकरण असोशल टू सोशल हाउ टू मेक अ सोशल पर्सन टू सोशल पर्सन दैट इज सोशलाइजेशन राजुल अंदर जो ज्वार भाटा उठा था थोड़ा सा कुछ शांति है अभी एक सवाल तुम्हारा थ्योरी लिखवाओ सर अभी थ्योरी इतनी लिखी होगी थक जाओगे थ्योरी से सुनो पहले तो सोसाइटी में सोशल कंट्रोल कंट्रोल आर ऑफ टू टाइप वन इज सोशलाइजेशन मेथड हाउ टू बिकम अ सोशल पर्सन टू सोशल पर्सन एंड सेकंड इज बाय सेंशन बाय रिवार्डिंग समवन, बाय पनिशिंग समवन दैट इज आल्सो वन ऑफ द डिफ्रेंशिएशन की सोसाइटी में अंतर करने के लिए यह भी इसके द्वारा भी किया जा सकता है क्या सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है क्या सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है इसके द्वारा भी हम कंट्रोल कर सकते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट शैल वी प्रोसीड अप टू हियर एनी वन एनी डाउट यहां तक किसी को कोई डाउट है ओके वन मादी यू अंडरस्टूड शेल बी प्रोसीड सैंक्शन मीन्स वॉट फॉर एग्जाम्पल इफ इफ वन पर्सन डूइंग समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी यू आर रिवार्डिंग यू आर एप्रिशिएटिंग वन पर्सन doing some which is antisocial doing something which is antisocial you are punishing them so this is also uh, it also creates some differentiation between acceptable thing in the society unacceptable thing in the society or no by rewarding or punishing are we creating some distinction between acceptability and non acceptability in the society Ki which one satisfying society parameter which one opposing society parameter so by this way also we can control or no by this way also we can control next point next concept is ethics and morality now listen very carefully these two terms are very important ethics and morality वन ऑफ द टर्म एथिक्स वन ऑफ द टर्म मॉरलिटी बोथ आर सेम और डिफरेंट दोनों का मीनिंग बिल्कुल एक्जैक्टली सेम है हंड्रेड परसेंट मीनिंग इज सेम और देयर इज समिफरेंस येस्टरडे वी डिस्कस्ड लैंग्वेज कंसेप्ट वर्कड ऑन प्रिंसिपल लाइक इफ एग्जैक्ट इफ हंड्रेड परसेंट मीनिंग इज सेम वाई वी नीड टू वर्ड यू आर सेम ना सिनोनिमीनिंग इज सेवेंटी परसेंट सिमिलरिटी और एट्टी परसेंट सिमिलरिटी देर इज नो हंड्रेड परसेंट सिमिलरिटी इफ यू आर से सर हंड्रेड परसेंट सिमिलरिटी इज देयर सो वाई वी नीड टू वर्ड्स बाय सिंगल वर्ड वी कैन डिफाइन ऑल द थिंग्स ना तो सिनोनिम सिमिलर टाइप ऑफ वर्ड बट नॉट हंड्रेड परसेंट इन ऑल द द सिचुएशन यू अप्लाई बोथ वर्ड्स क्लियर है भाषा जिस सिद्धांत पर काम करती है दो शब्दों का मतलब हंड्रेड परसेंट सेम नहीं होता नहीं तो दो शब्द बनाए ही क्यों जाते भाषा तो इस प्रिंसिपल पर काम करती है कि कम से कम शब्द बनाए जाए और ज्यादा से ज्यादा बात को कह दिया जाए लैंग्वेज का तो कंसेप्ट ही यही है कि मिनिमम शब्द बनाए जाएं मिनिमम शब्द बनाए जाए और ज्यादा से ज्यादा बात को कह दिया जाए तो क्यों हम इतने सारे शब्द बनाएंगे अगर सिनोनिम का मतलब बिल्कुल कॉमन होता दोनों सॉरी हंड्रेड परसेंट अगर सेम होता तो दो वर्ड क्यों होते फिर तो एक ही वर्ड होता इसका मतलब कहीं कहीं हम इनको एक जैसा यूज कर लेते हैं पर इनका मतलब हंड्रेड परसेंट कॉमन नहीं होता फॉर एग्जाम्पल फेथ एंड बिलीफ फेथ एंड बिलीफ इन सो मेनी सिचुएशन यू कैन यूज बोथ द टर्म बट नॉट ऑल द सिचुएशन एक्साम्पल जैसे आस्था और विश्वास बोलते हैं हिंदी में कि आई हैव फेथ इन गॉड और आई हैव बिलीफ इन गॉड बोथ वर्ड लुक सिमिलर बट आई बिलीव देर बी रेन टू मारो आई आई हैव फेथ देर विल बी रेन टू मारो नाउ इट सीन्स टू बी एबसर्ड क्लियर तो इन समचुएशन यू कैन यूज सीनोनिम वर्ड बट इन सो मेनी सिचुएशन यू कांट यूज जैसे आप बिलीफ और फेथ की बात करो आस्था और विश्वास की बात करो मुझे परमात्मा में आस्था है मुझे परमात्मा में विश्वास है दोनों बातें सही हैं मुझे आस्था है कल कल बारिश होगी और मुझे विश्वास है कल बारिश होगी तो मुझे विश्वास है कल बारिश होगी ये ठीक लग रहा है और मुझे आस्था है कल बारिश होगी ये बड़ा एबसर्ड सा लग रहा है कि सर ये बात फिट नहीं बैठ रही है तो दो शब्द मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि एक जगह तो दोनों फिट बैठ गए एक जगह दोनों का मतलब अलग हो गया इसका मतलब सिनोनिम जो होते हैं पर्यावाची जो होते हैं वो हंड्रेड परसेंट एग्जेक्ट मीनिंग को नहीं बताते वो सेवेंटी टू एटी परसेंट सिमिलरिटी कैंसे नाइनटी परसेंट सिमिलरिटी बट नॉट एक्जेक्टली सेम एक बिल्कुल एक जैसे नहीं होते तो एथिक्स एंड मोरलिटी क्या मतलब है देखो इन फिलोसफी सेंस यस्टरडे डिस्कस ना इन फिलोसफी सेंस वन एथिक्स इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ फिलोसफी स्टडी बी डिस्कस्ड कि फिलोसफी में देर आर थ्री ब्रांचेस थ्री ब्रांचेस एपिस्टेमोलॉजी मेटाफिजिक्स एंड थर्ड इज एथिक्स तो एथिक्स का पर्पस लाइफ्स ऑब्जेक्टिव यह स्टडी डिस्कस्ड कल हमने बताया था तो एथिक्स में हम पढ़ते हैं लाइफ का उद्देश्य क्या है मोक्ष साल्वेशन निर्वाणा कैवल्य आवर लाइफ गोल लाइफ ऑब्जेक्टिव एंड हाउ टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव मेथड टू अचीव मेथड टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव तो फिलोसफी में देर आर थ्री ब्रांचेस वन इज एपेस्टोमोलॉजी स्टडी भी डिस्कस्ड आल्सो स्टडी भी डिस्कस्ड थर्ड इज एथिक्स तो एथिक्स इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ फिलोसफी इन विच वी आर डिस्कसिंग वॉट इज अवर लाइफ गोल अल्टीमेट गोल ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लाइक निर्वाणा मोक्ष सॉल्वेशन एंड वॉट आर द डिफरेंट मेथड टू अचीव इट तो मेडिटेशन इज द वे समुड कैरेक्टर इज द वे तो डिफरेंट पीपुल से डिफरेंट थिंग हाउ टू अचीव किसी ने कहा कि बाई भजन की अलग अलग बात कही बुद्धा कंसेप्ट वॉज डिफरेंट रिगार्डिंग निर्वाणा महावीर कन्सेप्ट वॉज डिफरेंट गुरु नानक कंसेप्ट वॉज डिफरेंट डिफरेंट पीपल सेट डिफरेंट लॉजिक रिगार्डिंग जो पाने के तरीके हैं मैथड है वो अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके हैं मीराबाई भजन के द्वारा कृष्ण भक्ति आप बुद्ध को कहें व्यपासना उनका जो मेडिटेशन था महावीर का अलग कंसेप्ट गुरु नानक भजन के द्वारा कुछ थे वो भजन कीर्तन के द्वारा चिमटा बजाकर भगवान को पाना या मोक्ष को भगवान को नहीं मोक्ष को पाना बेसिकली तो मीनिंग इज सेम लाइक निर्वाणा यू कैन से मोक्ष इन इंग्लिश यू कैन से साल्वेशन गोल इज सेम सबका मतलब एक ही बात तो है मीनिंग सबका वही है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है लाइफ का निर्वाणा मीनिंग इज वॉट स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट जहां पर परम शांति परम आनंद हो जाए सुख और दुख से आप परे हो जाए एक ऐसी प्रक्रिया जन्म और मृत्यु के चक्र से आप छूट जाए वॉट इज निर्वाणा या व्हाट इज मोक्ष यू आर फ्री फ्रॉम लाइफ आफ्टर डेथ कंसेप्ट नाउ यू आर इन द स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट क्लियर है वेन यू अचीव मोक्ष तो लाइफ आफ्टर डेथ कंसेप्ट अगेन एंड अगेन रीबर्थ कंसेप्ट यू कैन से ओवर नो नीड तो वेन यू अचीव मोक्ष और निर्वाह और सोलवेशन तो यू आर फ्री फ्रॉम लाइफ आफ्टर डेथ कंसेप्ट दैट इज द मीनिंग तो स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट देर इज नो सोरो नो हैपीनेस न्यूट्रल कि जब आप इस स्टेज में पहुंच जाओ तो फ्री फ्रॉम लाइफ आफ्टर डेथ कंसेप्ट फ्री फ्रॉम लाइफ आफ्टर डेथ कंसेप्ट यहां तक पॉइंट समझ आया तो फिलॉसफी में एथिक्स का मीनिंग क्या है वॉट इज अवर लाइफ गोल एंड वॉट आर द वेरियस मेथड हाउ टू अचीव दिस गोल अवर गोल इज दिस दीज आर द गोल्स एंड देर आर डिफरेंट मैथड डिफरेंट ग्रेट पर्सनैलिटीज गिवेन डिफरेंट कंसेप्ट डिफरेंट मेथड तो लाइफ का उद्देश्य क्या है और उसको पाने के तरीके क्या हैं? इसको हमें सोचना कि हम एक परम आनंद की स्थिति में चले जाए लाइफ आफ्टर डेथ बार बार पुनर्जन्म में जाने से बच जाए और इस चीज से इस चक्र से मुक्त हो जाना शेल वी प्रोसीड तो एथिक्स फर्स्ट सेंस में मीनिंग इज दिस इन फिलोसफी कंटेक्स्ट फिलोसफी कंटेक्स्ट में मीनिंग इज दिस संस्कार चैनल टाइप फीलिंग तो नहीं आ रही कि चटाई उटाई निकाल के बैठ गए <laughs> कि सर ऐसा लग रहा है संस्कार चैनल देख रहा हूं मैं आर यू फीलिंग लाइक कि सत्संग टाइप क्लास चल रही है हाँ वनमादी करेक्ट आ, मैट वैट निकाल लिया है फ्लोर पे मैट बिछा दिया है और भी बुला लिया अगल बगल से कीर्तन उर्तन शुरू कर दो ओके नेक्स्ट पॉइंट तो इन फिलोसफी कंटेक्स्ट, इन फिलोसफी कंटेक्सट इनसाइड द एथिक्स सेंस वन इन फिलोसफी कंटेक्सट में एथिक्स के अंदर इन साइड द एथिक्स तो फिलोसफी में एथिक्स इज वन ऑफ द ब्रांच फिलोसफी एथिक्स इज फिलोसफिकल ब्रांच वन ऑफ द ब्रांच ऑफ फिलोसफी एथिक्स इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ फिलोसफी फर्स्ट सेंस की बात कर रहा हूं मैं सोशलॉजी में एथिक्स मीनिंग इज डिफरेंट फिलोसफी में एथिक्स मीनिंग इज डिफरेंट तो डिफरेंट कंटेक्ट में हम बात कर रहे हैं फिलोसफी के सेंस में फिलोसफी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट दर्शन शास्त्र फिलोसफी हैविंग सम ब्रांचेज वन ऑफ द ब्रांच नोन एज एथिक्स नीतिशास्त्र दर्शन शास्त्र फिलॉसफी नीतिशास्त्र एथिक्स एथिक्स इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ फिलोसफी वन ऑफ द ब्रांच ऑफ फिलोसफी वन ऑफ द ब्रांच ऑफ फिलोसफी तो इन द एथिक्स वी आर स्टडिंग अबाउट इन दिस ब्रांच वी आर स्टडिंग समथिंग इज मॉरल इमोरल नॉन मोरल तो इन दिस इंटरप्रिटेशन व्हाट वी आर सेइंग कि सर एथिक्स इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ फिलोसफी एंड विद इन द एथिक्स वी आर स्टडिंग अबाउट मॉरलिटी कि मोरलिटी इज सब पार्ट ऑफ एथिक्स फर्स्ट इंटरप्रिटेशन इज दिस कि इनसाइड द एथिक्स वी आर स्टडिंग मोरलिटी ट इज फर्स्ट इंटरप्रिटेशन फिलोसफी रिलेटेड इफ यू रीड बुक्स ना इट्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट ऑल दिस थिंग्स इफ यू इफ यूर रीडिंग एनी बुक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट ऑल दिस सेंसेस ये क्लियर नहीं हो पाता वहां पर दैट इज द रीजन की वाई यू नीट टीचर टू एक्सप्लेन दिस थिंग्स एथिक्स में बहुत स्मॉल बुक है पतली बुक है पर यही समझने में हालत खराब हो जाती है लोगों की वेरी सिंपल कंसेप्ट फिलोसफी वन सब्जेक्ट एथिक्स इज वन ऑफ द ब्रांच एंड विद इन द्वीआर स्टडिंग अबाउट मोरलिटी नैतिकता नीतिशास्त्र राजू लिखना चाहो तो लिख लेना एथिक्स का मतलब नीतिशास्त्र एक विषय है जो फिलोसफी के अंदर पढ़ा जाता है एक ब्रांच है फिलोसफी की और मोरलिटी का मतलब नैतिकता एथिक्स मीन्स इज नीतिशास्त्र वन ऑफ द ब्रांच ऑफ फिलोसफी विद इन दिस ब्रांच वी आर स्टडिंग अबाउट मोरलिटी नैतिकता तो नीति शास्त्र सब्जेक्ट है नैतिकता उसके अंदर पढ़ी जा रही है फर्स्ट इंटरप्रिटेशन इज दिस एथिक्स इज नीति शास्त्र सब्जेक्ट वन ब्रांच ऑफ फिलोसफी इन साइड दिस सब्जेक्ट वी आर स्टडिंग नैतिकता मोरलिटी तो फर्स्ट सेंस इज दिस तो एथिक्स में वी आर स्टडिंग अबाउट मोरलिटी मोरलिटी मीन्स समथिंग इज मोरल समथिंग इज इमोरल समथिंग इज नॉन मोरल वॉट मीन? फर्स्ट हिंदी देन वील रिपीट इन इंग्लिश आप रोड पर जा रहे थे कुछ बच्चे आए आपकी गाड़ी के पास और खाने के लिए कुछ मांगने लगे बहुत भूखे थे वो बच्चे उनका चेहरा देखकर आपको लगा कि ये बहुत भूखे हैं कुछ बीमार से भी लग रहे थे और आपने उनको फूड दे दिया अपना तो दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पर भी अगर ये बात बताई जाएगी लोगों को तो देर इज 99.9 परसेंट चांस कि लोग इसको क्या कहेंगे ये एक मोरल काम हुआ है या इमोरल काम हुआ है या एक नॉन मोरल काम हुआ है मोरल का मतलब है नैतिक अगर आपने गरीब बच्चों को खाना दिया और वो भूखे थे बीमार भी लग रहे थे दुनिया के किसी भी कोने में अगर ये बात रखी जाएगी कहीं कहीं हो सकता है इसको गलत मान लें लोग 99.9 अगर इस बात को कहा जाएगा कोई टेररिस्ट वाला मामला ना हो कोई गड़बड़ व्यक्ति ना हो तो नाइन मामले में ये अच्छा कहा जाएगा आप किसी चोर को सपोर्ट कर रहे होते किसी टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हो तो, तो गलत था बट नॉर्मल सिचुएशन में दिस इज मोरल एक्ट आपने खाना तो दिया नहीं और उन बच्चों को दौड़ा दिया भगा दिया उनके पीछे गाड़ी दौड़ा दी कि भागो यहां से आप इरिटेट हो गए दैट एक्ट इज इमोरल एक्ट अनैतिक मोरल का मतलब नैतिक इमोरल का मतलब आपने फूड तो दिया नहीं और आपने उनको दौड़ा दिया आपने उल्टा पुल्टा उनको बोला इमोरल एक्ट है ये अनैतिक है और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप मोरल इमोरल में कंपेयर नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग समथिंग इज दिस एक्ट मोरल और इमोरल मैं कुछ लिख रहा हूं मेरा मन किया एक अच्छी चाय पीने का बढ़िया से चाय पी ली ये मोरल है कि इमोरल है मैं कोई पेंटिंग बना रहा हूँ कोई अच्छा गाना सुन रहा हूं ये मोरल है इमोरल है मतलब लाइफ में हर चीज को आप मोरल इमोरल में कंपेयर नहीं कर सकते कुछ चीजें होती है नॉन मोरल जिसको इस चीज में कंपेरिजन नहीं किया जाता दैट इज निर्नैतिक नॉन मोरल का मतलब होता है निर्नैतिक जिनको आप मोरल इमोरल के दायरे से बाहर रखते हैं मोरल मतलब एक नैतिक काम एक अच्छा काम इमोरल मतलब अनैतिक काम अनैतिक मतलब गलत काम नॉन मोरल का मतलब निर्नैतिक जो इन दोनों से परे है निर्नैतिक बोलते हैं हिंदी में निर्नैतिक वॉइस क्लियर है ना मात्रा दे रही है निर्नैतिक एथिक। तो एथिक्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं कौन सा चीज मोरल है क्या इमोरल है क्या, क्या नॉन मोरल है एक तो इंटरप्रिटेशन एथिक्स का हो गया फिलोसफी के सेंस में फिलोसफी के सेंस में जो हम बात कर रहे हैं कि लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है कैसे उसको पूरा करेंगे कौन सा एक्ट मोरल होता है इमोरल होता है नॉन मोरल होता है ये पूरा डिस्कशन फिलोसफी के टर्म्स में है नाउ आई एम रिपीटिंग इन इंग्लिश अगेन तो एथिक्स इंटरप्रिटेशन इन टर्म्स ऑफ फिलोसफी तो इन फिलोसफी कंटेक्स एम एक्सप्लेनिंग एथिक्स हियर तो एथिक्स वन ऑफ द सेंस लाइफ ऑब्जेक्टिव एंड वॉट आर द मेथड टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव एंड इन साइड दिस वी आर स्टडिंग विद इन द एथिक्स वी आर स्टडिंग विच वन इज मोरल एक्ट विच इज इमोरल एक्ट एंड वॉट इज नॉन मोरल moral inside the ethics we are evaluating this you are giving food to beggar you are giving food to some uh, poor child you are helping some person to take to hospital clear that is moral act if you ask anyone at the global scale there is 99.9% .9 chance in china also people saying this is moral act in america also people saying this is moral act 99.9% .9 chances there the people saying giving food to poor that is moral act second case you are not giving food but you are abusing them you are beating them that is non moral uh, immoral act immoral you are giving food you are helping someone in positive manner that is moral you are not giving food rather you are beating or you are abusing someone that is immoral इमोरल क्लियर है मोरल एंड इमोरल मोरल पॉजिटिव सेंस में इमोरल यू आर नॉट यू कैन नॉट कंपेयरिजन फॉर एग्जाम्पल आई एम ड्रिंकिंग वॉटर इज दिस एक्ट इज मोरल इमोरल आई एम राइटिंग समथिंग ऑन द बोर्ड आई एम वॉकिंग दिस एक्ट इज मोरल इमोरल नो so you can't compare all the things within only two dimension moral immoral no there are so many things which are beyond moral immoral comparison that is non moral non moral means you are listening some good song that is non moral you can't compare it in moral and immoral dimension point clear or no you are doing some good thing moral act bad thing immoral act and you cannot compare all the things within dimension of moral immoral like you are drinking water

तो बुक्स में एक क्लैरिटी नहीं आ पाती बुक्स में आपको लिखेगा इट इज ब्रांच ऑफ फिलोसफी तो फर्स्ट सेंस में ऑलरेडी डिस्कस्ड बट सेकेंड सेंस बुक्स में मिसिंग सेकेंड सेंस इंटरप्रिटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू यूपीएससी का फेवरेट एरिया है वो सी हियर सेकेंड सेंस और सेकेंड इंटरप्रिटेशन तो फर्स्ट इंटरप्रिटेशन फर्स्ट सेंस था फिलोसफिकल ओरिएंटेशन सेकेंड इज सोशलॉजी रिलेटेड यू कैन से एज पर वन डायग्राम वन इज एथिक्स वन इज मॉरलिटी सेकेंड इंटरप्रिटेशन इज दिस सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन से इन अवर डे टू डे लाइफ

तो ये है ये इंटरप्रिटेशन है डे टू डे लाइफ में सिनोनिम की तरफ जब आप यूज करते हो आई एम नॉट सब्जेक्ट एंड सब पार्ट, सिनोनिम फिलोसॉफिकल ओरिएंटेशन में एथिक्स इज सब्जेक्ट मॉरलिटी इज है एंड हियर वी आर यूजिंग बोथ टर्म एज एनोनिम एंड इन आर डिफरेंट

तो वॉट आर द डिफरेंसेस नाउ सी हियर एथिक्स एंड मॉरेलीटी तो सेकेंड सेंस जो है एथिक्स इज प्रोफेशन रिलेटेड थिंग नाउ डिस वेरी केयरफुली एथिक्स इज प्रोफेशन रिलेटेड इंजीनियरिंग एथिक्स मेडिकल एथिक्स लॉ एथिक्स क्लियर है देर आर एक्सटर्नल रूल्स एंड रेगुलेशन्स देर आर एक्सटर्नल रूल्स एंड रेगुलेशंस there are external rules and regulations some professional societies like medical society law society engineering society made some code of defined some code of conduct or you can say code of ethics ethics is objective in nature objective meaning is these rules are same for everyone all the engineers having same rule all the doctors having same rule objective meaning same for everyone it not varies from person to person it does not varies from person to person so ethics is profession related thing doctor engineer medical lawyer profession related thing there are external rule and regulations available and professional need to follow these rules there are code of conduct available

वेयर एज मोरलिटी इज पर्सनल इन नेचर मोरलिटी इज पर्सनल मोरलिटी इज योर इंटरनल इंटरनल थॉट प्रोसेस गवर्नड बाई गवर्नड बाई योर कंसाइंस आपके अंतरात्मा से तय होता है गवर्नड बाई योर कंसाइंस और पर्सन टू पर्सन वेरिएबल सब्जेक्टिव इन नेचर सब्जेक्टिव इन नेचर इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन फॉर मी दिस एक्ट इज मॉरल एक्ट बट इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर यू ऑल्सो दिस इज मॉरल नो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन तो दिस इज दिस इज एट पर्सनल लेवल इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर गवर्न बाई यंसाइंस अंतरात्मा इंटरनल है और सब्जेक्टिव नेचर का है वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग है तो मोरलिटी यू कैन से इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर वनमादी हैव यू अंडरस्टूड सेकंड सेंस में क्या मीनिंग है एथिक्स एंड मोरालिटी अब देखो फर्स्ट सेंस में हमने पढ़ा था कि फिलॉसफी का एक ब्रांच है एथिक्स जिसमें हम मोरल वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं सेकंड सेंस कह रहा है कि एथिक्स और मोरल कई बार हम सिनोनिम की तरह यूज कर लेते हैं और कई बार दोनों का मतलब अलग-अलग होता है सेकंड सेंस कह रहा है कि कई बार ये सिनोनिम की तरह यूज होते हैं कई बार दोनों का मीनिंग अलग-अलग होता है एथिक्स जो है ये कहीं ना कहीं प्रोफेशन संबंधित बात होती है एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि एथिक्स जो है प्रोफेशन रिलेटेड होता है लाइक मेडिकल इंजीनियरिंग लॉ इसके लिए जो संस्थाएं बनी हुई हैं जैसे मेडिकल की संस्थाएं हैं या लॉयर की अपनी संस्थाएं हैं वो उन्होंने कुछ रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं कि हमारे प्रोफेशन में वकीलों को ये नियम मानने चाहिए या हमारे प्रोफेशन की ये सेंटिटी हमारे प्रोफेशन की ये नियम है कि डॉक्टरों को ये नियम मानना चाहिए तो कुछ एक्सटर्नल रूल एंड रेगुलेशन बने हैं जिनको फॉलो प्रोफेशनल को करना चाहिए और ये जो रूल बने हैं क्या हर डॉक्टर के लिए अलग अलग नियम बनाएगी संस्था क्या हर डॉक्टर के लिए अलग अलग कोड ऑफ एथिक्स बनेगा नहीं वो ऑब्जेक्टिव इन नेचर का मतलब है सबके लिए एक समान इंजीनियर्स हैं तो उनके कोड ऑफ एथिक्स एक जैसे लॉयर हैं उनके लिए एक जैसे तो ये प्रोफेशन संबंधित बात होती है एक्सटर्नल रूल एंड रेगुलेशन है जो उस प्रोफेशन के लोगों को मानने चाहिए अपने प्रोफेशन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए इनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट कोड ऑफ एथिक्स पूरे रूल लिखे हुए हैं कि किस प्रोफेशन के लोगों को क्या करना चाहिए ये ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है कि जो रूल बने हैं वो सबके लिए एक समान है हर व्यक्ति के लिए अलग अलग किताब नहीं छपी है ठीक जबकि दूसरी तरफ मॉरलिटी नैतिकता ये हमारी पर्सनल अप्रोच होती है कोई संस्था आपकर आपको आकर आपको नहीं बताएगी कि आप नैतिक हो जाओ या नहीं हो जाओ मॉरलिटी नैतिकता ये आपकी पर्सनल चीज है कि अगर मेरे लिए बड़ी स्ट्रांग एक फीलिंग गट फीलिंग है मेरे अंदर बड़ी स्ट्रांग फीलिंग है मोरल होना तो मैं होऊंगा चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े बगल वाले में नहीं है वो बात ठीक है तो ये पर्सनल अप्रोच है इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है मॉरलिटी जो है ये पर्सनल और इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है पर्सन टू पर्सन ये डिफरेंट होता है ये हमारा इंटरनल मामला है और इंटरनल मामला है तो अंदर से कौन आवाज देता है किसी सिचुएशन में हम रिएक्ट करते हैं तो किसकी आवाज हमारी अंतरात्मा की आवाज तो अंदर की आवाज सुनना ये बाहर की आवाज है ये बाहर की आवाज है बाहर से रूल रेगुलेशन बने हुए हैं ये अंदर की आवाज है आपके अंतरात्मा क्या कह रही है और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कोई व्यक्ति मोरल को वैल्यू कर सकता है कोई नहीं कर सकता है कंसाइंस का मतलब अंतरात्मा आत्मा नहीं आत्मा का डिस्कशन अलग है अंतरात्मा तो कंसाइंस और सब्जेक्टिव इन नेचर क्या हम समझ पाए यह क्वेश्चन आता है यूपीएससी में यूपीएससी का जो क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड दिस इज द क्वेश्चन क्वेश्चन बनता है फर्स्ट इंटरप्रिटेशन फिलोसफी के सेंस में सेकेंड इंटरप्रिटेशन सोशोलॉजी के कंटेक्स में तो फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस इंटरप्रिटेशन इज इंपॉर्टेंट नाउ यू विल इजिली अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट कि सर प्रोफेशन इज एथिक्स इज प्रोफेशन रिलेटेड मोरल इज योर इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच एथिक्स इज एक्सटर्नल देर एक्सटर्नल रूल्स मोरलिटी में योर इंटरनल रूल्स गवर्न बाई योर कंसाइंस योर इनर सोल आपके अंतरात्मा से तय होता है एथिक्स आर सेम फॉर ऑल दिस विद इन द सेम प्रोफेशन फॉर ऑल द इंडिव्यूल्स आर सेम बट दिस इज सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मीन्स पर्सन टू पर्सन इट वेरीज पर्सन टू पर्सन इट वेरीज Now, one example, you want to prepare for civil services hmm? and for civil services, you heard about some very good faculty. Hey, sir, uh, if I joined that particular faculty course, so nah, definitely I'll get selected because this faculty in the past also uh, track record was very good. So many toppers he produced in past 10 to 12 years.

reception person doing some job now company paying he, uh, him or her salary company paying salary and that's, that person has to serve his company his or her company male or female job so there are two ways first is you are doing some job and that is your responsibility towards your company to serve them because that company giving you salary and by using this salary you are running your family तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको कन्विंस करें यू मस्ट कन्विंस दैट पर्सन टू टेक एडमिशन इन योर कोचिंग वन वे इज दिस इट मीन्स यू आर जस्टिफाइंग योर प्रोफेशन इट मीन्स यू आर जस्टिफाइंग योर प्रोफेशन दैट इज एथिकली करेक्ट बट वेन दैट पर्सन फिलिंग फॉर्म ना सडनली योर कंसाइन्स स्टार्ट आउटिंग कि नो नो यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग Ethically, you are correct. You are justifying. You are justifying your responsibility towards your company. Ethically, you are doing good. But there is conscience also, Your inner soul voice. You are doing wrong. You are not properly informing that person. Clear? So then suddenly you suddenly you said, ki, "No, no. You must not fill this form. That that teacher shifted to some other coaching. You must take admission there." Now in that situation, ethically you are wrong. Morally, you are correct.

राजुल कह रहे हैं अन अकेडमी आपके नाम पे एडमिशन लिया अरे मैं वो ग्रेट फैकल्टी नहीं हूँ यार जब ग्रेट फैकल्टी की बात कर रहा हूँ मैं अपने अपने को नहीं रखता हूँ उसमें और मैंने आज तक किसी को टॉपर नहीं बनाया जो टॉपर बना है वो अपनी मेहनत से बना है मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन ओनली वन होता है अगर मैं टॉपर को लाकर फोटो खींचाऊं या मैं होर्डिंग बनवाऊँ तो मैं अपनी मार्केटिंग ज्यादा कर रहा हूँ उस टॉपर के प्रमोट करने के बजाय तो वो टॉपर का इंटरव्यू या होर्डिंग जो बनता है वो कहीं ना कहीं मेरी अपनी मार्केटिंग के लिए होगा तो मैं इसलिए वो कभी नहीं करता कभी आपने देखा भी नहीं होगा और मैं कभी क्लेम भी नहीं करता कि मैंने किसी को टॉपर बनाया मैंने नहीं बनाया मेरा 1 रोल होता है बाकी नाइनटी नाइन परसेंट एफर्ट उसका है उसकी पूरी एफर्ट को मैं अपने ऊपर शिफ्ट कर लू सारा क्रेडिट मैं ले जाऊं कि वो कहे नहीं नहीं सर इनकी वजह से मैं बना हूं इन सर ने मुझे पढ़ाया इनकी वजह से मैं बनाऊ कोई किसी को नहीं बनाता क्लियर है तो ये कहना कहीं ना कहीं मैं अपना महिमा मंडन कर रहा हूं कहीं ना कहीं मैं अपनी तारीफ ही खुद कर रहा हूं बिना बोले भी तो किसी के एफर्ट को किसी के पूरी मेहनत को पूरा क्रेडिट ले जाना मतलब मेरे अपने ओपिनियन में दिस इज नॉट गुड जो करते हैं उनके लिए वो सूट करता है मेरे लिए नहीं करता ठीक है देखो हर किसी का लाइफ को जीने का अपना एक तरीका है मैं बहुत सिंपल तरीके से जीना चाहता हूं कोई मुझे ज्यादा शोबाजी या प्रमोशन मार्केटिंग मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता लाइफ जितनी सिंपल रहेगी उतना अच्छा है आप अपने थॉट प्रोसेस पे काम करोगे आपका इनर इनर कंसाइंस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि बोल्डली आप कह पाओ हर चीज मार्केटिंग प्रमोशन ये नहीं होता और अगर आप अपना कोई बिजनेस भी कर रहे हैं तो उसमें भी एथिकल होना चाहिए क्लियर है मैं जिस चीज को पढ़ाऊं और मैं उसको फॉलो ना करूं तो फिर मैं उसको पढ़ाने के लिए ठीक पर्सन नहीं हूं करेक्ट तो एथिक्स और मोरल पॉइंट क्लियर अगेन आई एम रिपीटिंग इन हिंदी फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल आई गिव रिगार्डिंग सब कोचिंग इंस्टीट्यूट सेकेंड एग्जाम्पल आई एम टेकिंग हॉस्पिटल एग्जाम्पल एक पर्सन है पुअर पर्सन उसके सन का सर्जरी होना है और हॉस्पिटल में देर वॉज वन फेमस डॉक्टर लास्ट ईयर बट दैट डॉक्टर लेव दैट हॉस्पिटल तो रिसेप्शन पे गए सेम एग्जाम्पल है या किसी हॉस्पिटल में गए एडमिशन के लिए जो रिसेप्शन पे बैठा था वो उसको उसकी कंपनी पे कर रही है सैलरी से उसका घर चलता है तो एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी कंपनी के प्रति है अपनी कंपनी के प्रति उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको अपने ही यहाँ एडमिशन दे क्योंकि उसको ट्रेन इस हिसाब से किया गया है कि अपनी कंपनी के प्रति आप कुछ करोगे कंपनी को प्रॉफिट आएगा कंपनी आगे बढ़ेगी तभी तो कंपनी आपको भी पे करेगी तभी तो कंपनी आपको भी पे कर पाएगी अगर कंपनी के लिए अमाउंट ही नहीं आएगा कंपनी कैसे काम करेगी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कंपनी के लिए है ठीक आप अगर उसको अपने यहां एडमिशन दे रहे हो तो एथिकली आप ठीक काम कर रहे हो पर आप एडमिशन देने ही वाले थे और आपको पता चला कि जिस टीचर या डॉक्टर के लिए वो आए हैं वो उस कोचिंग को या हॉस्पिटल को छोड़ के जा चुके हैं आप एडमिशन देने ही वाले थे और वो पर्सन मान लो खेत बेच कर आया है एडमिशन लेने के लिए अपना पूरा कुछ लाइफ स्टेक पे लगा दिया है तो आपका एक अंतरमन भी तो है एक आपका अपना विवेक भी तो है आप उसको एडमिशन देने वाले थे एथिकली आप ठीक कर रहे थे गलत नहीं पर आपका अंतरमन आपके कंसाइंस आपके अंतरात्मा ने चिल्ला के कहा गलत कर रहे हो तुम ये सही नहीं है वो जो तुमसे पूछ रहे हैं तुम कहीं ना कहीं उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो गलत कर रहे हो और तुमने सडनली तुम उठे और तुमने उनको रोक दिया तुमने पूरी बात बता दी कि जिस टीचर या डॉक्टर को आप ढूंढ रहे हैं वो यहां से जा चुके हैं अब वो उस कोचिंग में या उस अस्पताल में चले गए हैं तो मॉरली आप करेक्ट कर रहे हो अगर अंतरात्मा की आवाज सुन रहे हैं तो मॉरली मॉरली आप करेक्ट काम कर रहे हैं अब आप एथिकली गलत कर रहे हो तो एथिकली मतलब प्रोफेशन संबंधित मॉरली मतलब अपनी अंतरात्मा की बात को सुनना अपने ही यहाँ एडमिशन दे दिया अपने प्रोफेशन को जस्टिफाई किया एथिकली करेक्ट अंतरात्मा की आवाज सुनी कहीं और भेज दिया मोरली करेक्ट पर जब मॉरली करेक्ट हो रहे हो तो एथिकली गलत हो जा रहा है और एथिकली करेक्ट हो रहे हो तो मॉरली गलत हो जा रहे हो मतलब कहीं ना कहीं आपको गलत होना ही पड़ रहा है दैट इज एथिकल या मोरल डायलेमा बोलते हैं इसको डायलेमा मतलब ये कंफ्यूजन की स्थिति कन्फ्लिक्ट की स्थिति तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं एथिकल या मोरल डायलेमा कि आप कुछ भी कर लो एक ना एक जगह तो आपको गलत होना ही पड़ रहा है एथिकली सही हो रहे हो तो मोरली गलत हो रहे हो और मोरली सही हो रहे एथिकली तो गलत हो रहे हो आपको गलत होना ही पड़ रहा है मोरल डायलमा सिचुएशन इफ यू आर एथिकली करेक्ट मॉरली रॉन्ग मॉरली करेक्ट एथिकली रॉन्ग दैट इज एथिकल और मोरल डायलेमा सिचुएशन कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन क्लियर एंड वन केस कि दैट Great teacher or great doctor working in your hospital or your coaching, and you are giving admission to that person within your hospital or coaching. Is there any conflict now? That is ethically, morally both correct? Clear or no? That person, that doctor or teacher working within your institution, and you are giving admission to that, that particular uh, student or patient, for example. तो नाउ यू आर एथिकली ऑल्सो करेक्ट मोरली ऑल्सो करेक्ट अगर सिचुएशन ऐसी बन जाती कि वो डॉक्टर या टीचर जिसके लिए वो आए थे एडमिशन लेने वो आपके यहीं थे कहीं गए नहीं थे आप ही कहीं काम कर रहे थे तो आप एथिकली भी सही हो गए वहीं एडमिशन देना सही है और वो टीचर के लिए आए तो वो भी वहीं पर है अब आप एथिकली और मोरली दोनों सही हो अब ये डिलेमा सिचुएशन नहीं है क्या ये समझ पाए रजत का एक सवाल है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का क्या मतलब है रजत मैंने कहा कि 500 स्टूडेंट क्लास में बैठे हैं और मैंने कहा कि क्लास के लिए सबके लिए एक नियम है कि आधे घंटे की क्लास होने के बाद सबको एक ओरियो बिस्कुट खाना है क्या ये सबके लिए अलग अलग नियम बनाया है थर्टी मिनट की क्लास के बाद सब एक ओरियो बिस्कुट खा सकते हैं क्या मैं सबके लिए अलग अलग रूल बना रहा हूं रजत रजत जवाब दे इस बात का

सब्जेक्टिव का मतलब है पर्सन टू पर्सन वेरी करना सब्जेक्टिव शब्द का मतलब है पर्सन टू पर्सन अलग अलग होना वो नैतिकता की जब बात आती है कि रोड पर एक्सीडेंट हुआ एक पर्सन रुका एक सेल्फी खींच रहा था एक वीडियो बना रहा था और चार लोग निकल गए तो किसी का मोरल एंगल मजबूत है किसी का नहीं है ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है इसको सब्जेक्टिव बोलते हैं नहीं आया समझ देखो मेरी क्लास में ऐसा होता नहीं कुछ समझ में ना आए केवल तब हो सकता है जब तुम उठकर क्लास से कहीं चले गए हो या जल्दी जल्दी लिख, लिखने में लगे हो सुन ना रहे हो तो मेरी क्लास में कभी यह समस्या नहीं आती कि प्रेजेंटेशन की दिक्कत आ रही हो और समझ में ना आए ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं कह रहा हूं मैं कॉन्फिडेंस में कह रहा हूं इतने साल से यही हो गया करते हुए तो लग रहा है तुम धीरे से उठ के गए हो कुछ खाने पीने और यहां से दिख भी रहा है प्लेट लेके बैठे हो नमकीन नमकीन कुछ आई कह रहे हो पहले खा क्या रहे हो वो बताओ तभी नहीं समझ आया होगा अभी आप पास तो कर नहीं सकते वीडियो के अंदर से टीचर या मेहनत से पढ़ा रहा है तुम थाली भर के खा रहे हो चलो अगला पॉइंट तो एथिकल मोरल क्लियर हो गई बात सोच रहा होगा सर ने ऊपर कैमरा लगाया है क्या सब पता चल जाता है मुझे इतने साल से यही कर रहा हूं मैं राजुल कहा गया थ्योरी के लिए परेशान था राजुल अब आ जाओ थ्योरी पर तो जो हमने पढ़ा अब थोड़ा सा थ्योरी देख लें इन द क्लास नोट्स ऑलरेडी थ्योरी गिवन बट आई सेड ना कि आई विल राइट ईच एंड एवरी पॉइंट हियर इंजीनियरिंग एथिक्स नोट्स ऑलरेडी गिवन टू यू फ्री कंटेंट में देखोगे नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है बट आई एम राइटिंग ईच एंड एवरी पॉइंट हियर अगेन जिस समय भी लिखा है मैंने तो आपका टाइम लिखने का बच जाएगा आप अच्छा चाहो तो नोट कर सकते हो या फोटो खींच लो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं सारी बातें देखो इंजीनियरिंग एथिक्स हमें इंजीनियरिंग एथिक्स क्यों पढ़ना है ऑलरेडी भी डिस्कस्ड इन यस्टरडे क्लास व्हाट इज इंजीनियरिंग एथिक्स रूल एंड रेगुलेशन रूल एंड रेगुलेशन इट इज द रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स गवर्निंग इंजीनियरिंग प्रोफेशन क्लियर सूर्यांश क्वेश्चन बताऊंगा अभी मैंने एक दूसरी क्लास में जस्ट टॉपिक बोले हैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं जब मैं प्रीवियस ईयर बताऊंगा तो मैं सब बताऊंगा डायरेक्ट यहां पर और हमेशा कराता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह हमेशा कराता हूं इस बार और भी क्वेश्चन ऐड कर देंगे और अभी तो जस्ट दूसरा टॉपिक अभी थ्योरी शुरू कर रहा हूं मैं जितना हड़बड़ी में मत रहो तुम्हें तो दो क्लास से पता चल गया होगा कि तुमसे आ चिंता मुझे है मैं कोई गैप नहीं छोड़ता हूं कहीं पर तो इट इज द रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स इंजीनियरिंग एथिक्स मीनिंग इज वॉट रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स गवर्निंग इंजीनियरिंग प्रोफेशन तो इंजीनियर को अपने प्रोफेशन में कैसे काम करना चाहिए इंजीनियर को अपने प्रोफेशन में कैसे काम करना चाहिए उसके लिए रूल एंड स्टैंडर्ड्स जो बने हैं दैट इज इंजीनियरिंग एथिक्स

तो इंजीनियर्स हैविंग इंपॉर्टेंट रोल इन सो मेनी थिंग लाइक ब्रिज डिजाइनिंग कार डिजाइनिंग ओवर ब्रिज मेट्रो टनल देर सो मेनी वर्क तो इंजीनियर का जो रोल है मल्टी डायमेंशनल कई प्रकार के काम है कई सारे फील्ड में वो जुड़े हैं लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व देर इज पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल ब्रिज कॉलेप्स कर गया तो पॉलिटिक्स भी तो इन्वॉल्व हो जाएगी उसमें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर तो यू नीड टू बी मोर केयरफुल है ना इंजीनियर्स नीड टू बी मोर केयरफुल सिमिलरली डॉक्टर्स नीड टू बी मोर केयरफुल कि वो सर्जरी कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम हो जाए कोई वो गड़बड़ कर दे तो उनको बड़ा कंसर्न रहना पड़ता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि उनका वर्क ऐसा है पब्लिक सेफ्टी इन्वॉल्व हियर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हियर ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व हियर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली विल इंक्रीज क्लियर है इंजीनियरिंग एथिक्स इट इज एंड स्टैंडर्ड्स गवर्निंग कंडक्ट ऑफ इंजीनियर्स इन देर रोल एज प्रोफेशनल्स इट अप्लाइज मोर स्पेसिफिकली टू दिचन इंजीनियर इन देयर प्रोफेशनल फिलोसफी फर्स्ट इट इज ब्रांच ऑफ फिलोसफी इट इज रिलेटेड टू सोशलॉजी एज वेल आप चाहे तो ये भी लिख लो स्लैश सोशोलॉजी इट इज द्रांच ऑफ फिलोसफी और ऑल्सो रिलेटेड टू सोशोलॉजी

जो फील्ड है जो दायरा है उस दायरे में रहकर कैसे हमें काम करना चाहिए क्या रूल रेगुलेशन होने चाहिए अब देखो सेकंड इंटरप्रिटेशन एथिक्स इज द स्टडी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोरल एंड इट आल्सो डील्स विद द मोरल चॉइस दैट आर मेड बाय ईच पर्सन इन हिज और हर रिलेशनशिप विद अदर पर्सन किस तरह से हम एक्ट कर रहे हैं एथिक्स में हम मोरल की बात भी करते हैं और एथिक्स और मोरल डिफरेंट भी होते हैं सारे डायमेंशन मैंने जो पीछे बताया वही लिखा है द वर्क ऑफ इंजीनियर कैन अफेक्ट पब्लिक हेल्थ सेफ्टी कैन इंफ्लुएंस बिजनेस बिकॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व एंड इवन पॉलिटिक्स में ऑल्सो गेट अफेक्टेड मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ जाएगा कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए यहां तक देख लो कोई पॉइंट नोट करना हो कर लो फिर हम आगे बढ़े फोटो खींचनी है फोटो खींच लो ये कंप्लीट है या फोटो ले लो या बाद में रिकॉर्डिंग में देख लो लिख तो दिया है मैंने पूरा नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है वेबसाइट पे भी ऐप पे भी ओनली अपडेशन पार्ट यू कैन नोट डाउन फिलोसफी का वाला एंगल लिखा है ये मोरल वाला भी फिलोसफी का ही पार्ट है सेकंड सेंस जो मैंने अलग बताया है प्रोफेशन रिलेटेड और पर्सनल ये टोटल जो है ये फिलोसफी वाला डायमेंशन लिखा है सेकंड मैंने अलग से एक्सप्लेन कर दिया है ऊपर ये फर्स्ट वाला है फर्स्ट डायमेंशन फिलोसफी रिलेटेड यहां पर फिलोसफी रिलेटेड लिखा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोरल फिलोसफी रिलेटेड सेकंड डायमेंशन वो वाला है एथिक्स इज प्रोफेशन मोरल इज पर्सनल नेक्स्ट इज ह्यूमन वैल्यूज तो वैल्यूज ऑलरेडी वी स्टडीड य स्टडी क्लास वैल्यूज मीन्स अवर इनबिल्ट मैकेनिज्म इंटरनल मैकेनिज्म है ऑनेस्टी पंक्चुअलिटी कंपैशन सेल्फ रिस्पेक्ट दैट इज इनबिल्ट इन साइड इनसाइड अस तो वैल्यू क्या है वैल्यू मीन्स एंड इनबिल्ट मैकेनिज्म एंड इट गिव अस सेंस कि वॉट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग वॉट इज गुड व्हाट इज बैड वन मादी वी डिस्कस्ड ओनली टू सेंस फर्स्ट सेंस रिलेटेड टू फिलोसफी सेकंड सेंस में सेकंड सेंस में वी स्टडीड एथिक्स एंड मॉरल समटाइम्स यूज एनोनिम एंडाइम्स मीनिंग इज डिफरेंट व्हाट इज डिफरेंट एथिक्स इज प्रोफेशन रिलेटेड मॉरल इटी इज इंडिविजुअल रूल रेगुलेशन मॉरल रिलेटेड टू कंसाइंस वॉट इज द प्रॉब्लम हियर ओनली टू सेंस भी डिस्कस्ड इन सेकंड सेंस ओनली डिस्कस ना समटाइम्स यूजिंग डिफरेंट में ऑलरेडी डिफरेंशियड हियर गिवेन ओनली फिलोसॉफिकल सेंस तो वैल्यू मींस इन बिल्ट मेकेजम दैट इज इंटरनल ऑनेस्टी इज वैल्यू फॉर मी बट इट इट इज नॉट नेसेसरी यू आर ऑल्सो फॉलोइंग पंक्चुअलिटी नो द तो इंटरनल तो वैल्यूज आर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव नॉ वन मैकेनिज्म क्लियर है so राजूल के तुम्हें क्लास से बाहर फेंक दूंगा मैं कल कह रहा है कि थ्योरी नहीं लिखाई आज कह रहा है थ्योरी ज्यादा चाहते क्या हो यार तुम तुमसे बार बार मैंने कहा है, क्लास में मत आया करो अपनी फीस वापस ले लो क्लास में मत आओ और नहीं तो ब्लॉक कर दूंगा मैं सारी क्लास में ब्लॉक रहोगे फिर कल कह रहा है थ्योरी नहीं लिखवा रहे हैं आज पूरी थ्योरी लिखी है तब भी दिक्कत है फ्री नोट्स पीडीएफ उसमें पड़े हैं ऐप में तब भी नहीं देख रहा है वेबसाइट पे अवेलेबल है वहां से भी नहीं देख रहा है हर लाइन में डिस्टर्ब कर रहे हो तुम क्लास के अंदर तुम्हें भेजा है किसी ने स्पेशलिस्ट काम के लिए कल कह रहा है थ्योरी नहीं लिखी है आज कह रहे हैं थ्योरी ज्यादा लिख दी है पढ़ना हो पढ़ो ना जाओ क्लास से यार इतने साल से पढ़ तो रहे हो तुम टाइम पर बात कर रहे हो क्यों तो समय पर बात कर रहे हो ज्यादा पैसा है अपनी फीस लो और दफा हो जाओ क्लास से यूट्यूब में क्लास होगी तब तुम्हें दिक्कत है टेक्निकल पर्सन पढ़ा रहा है तब तुम डिस्टर्ब करते हो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य एक ही है क्या बस कि जो जो टीचर जहां पढ़ा रहा है सबको परेशान करूं जाके मैं हमेशा इसका यही काम है यूट्यूब में क्लास होगी किसी की भी तब भी यही करता है ये कोई पर्सन कहीं भी पढ़ा रहा है सबकी क्लास में जाके इसका यही काम है लग रहा है कोई इंस्टीट्यूट पैसा देकर इसको ये काम करवा रहा है इसी में जीवन बीत जाएगा करते करते तुम्हें यही और नहीं हो पा रहा तो क्यों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो प्राइवेट कुछ कर लो तो वैल्यूज डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन एक बार तुमने और डिस्टर्ब किया राजू सारी क्लास के लिए ब्लॉक रहोगे तुम ये जान लेना नहीं तुमने फीस लो और दफा हो जाओ क्लास से बहुत बार नोटिस किया मैंने तुमको कई बार हर क्लास में youtube के अंदर भी तुम्हारा यही है बाकी सारे बैचेस में यही है लिसन केयरफुली तो वैल्यूज है सब्जेक्टिव इन नेचर इट वेरियस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन सब्जेक्टिव है और पर्सन टू पर्सन वेरी करता है पूरी कोशिश मैंने की कि इसकी सारी डिमांड पूरी हो जाए हर लाइन में इसको उल्टा चलना है कुछ भी करके दे दो उसके लिए हम कभी खुश हुए नहीं जीवन में आज तक ये कल की क्लास का कमेंट इसका पढ़ो सर थ्योरी नहीं लिखवाए आज लिखिए थ्योरी तब भी दिक्कत है नोट्स दे रखे वहां से भी उठा के नहीं पढ़ना है साफ साफ पता चल रहा है कोई करवा रहा है इससे इस काम को देखो बड़ी मेहनत से टीचर पढ़ा रहा होता है बच्चे बहुत बहुत चीजें दिमाग में चल रही होती है डिस्टर्ब मत किया करो तो फिर एग्जाम होगा क्वेश्चन नहीं बनेंगे फिर आप इस बात को बोलोगे पूरी क्लास का माहौल मत खराब किया करिए आप खासकर मेरी क्लास के अंदर बिल्कुल डिस्टर्ब मत किया करो नहीं समझ में आए मैं दस बार रिपीट करूंगा कोई शिकायत है लिखवाया नहीं तो बताओ कल तुम कह रहे थे लिखवाया नहीं आज लिखवा भी दिया किसी चीज पे टिको ना यार किसी चीज पे टिकते ही नहीं हो तुम वैल्यूज मीन्स एन इनबिल्ट मैकेनिज्म इंटरनल विच डिस्टिंग्विश द राइट फ्रॉम रॉन्ग ये हमें एक समझ देता है सही गलत के बीच टीचर के एंड पे सोचो टीचर हिंदी में भी रिपीट कर रहा है इंग्लिश में भी रिपीट कर रहा है हर बात को चार बार समझा रहा है एक एक वर्ड को समझा रहा है फिर बोर्ड पे भी लिख रहा है और क्या चाहते हो यार और कितनी मेहनत चाहते हो और भी जगह पढ़े हो गए इतना इतना होता है क्या करता है कोई मैं भी पढ़ा रहा हूं बारह साल से कई जगह मुझे पता है जो जितना कर रहा है उससे इतना दुखी कर रहा हो परेशान कर रहा हो दस गुना फीस भरते हो तो पता चलता है और कोई सुनवाई भी तुम्हारी नहीं होती जब पढ़े हो कई कई कोचिंग में पढ़े हो तुम पहले भी तुमको अच्छी तरह पता है देखो यहां पर ह्यूमन वैल्यूज ह्यूमन वैल्यूज तो वैल्यूज मीन्स इन बिल्ट मैकेनिज्म और ये हमें एक समझ देता है इज डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग राइट और रॉन्ग को एप्सोलूट सेंस में यू कॉन्ट इंटरप्रेट फॉर एग्जाम्पल समथिंग इज राइट हियर मे बी रॉन्ग इन समदर कंटेक्सट इन समदर कंट्री इन समदर टाइम फ्रेम और समथिंग इज रॉन्ग हियर इट मे बी इट मे समिंग इट मे बी राइट इन समदर कंटेक्सट तो राइट और रॉन्ग यू कैन नॉट इंटरप्रेट इन एब्सोल्यूट सेंस यू कांट से कि दिस इज हंड्रेड परसेंट राइट दिस इज हंड्रेड परसेंट रॉन्ग राइट टू राइट डिसीजन इज मे बी देर इज फाइव परसेंट रॉन्ग कैरेक्टर और रॉन्ग टू रॉन्ग डिसीजन देर मे बी फाइव परसेंट गुड एलिमेंट तो यू कांट इंटरप्रेट राइट और रॉन्ग इन एबसोलूट सेंस हंड्रेड परसेंट राइट और वैल्यू हमारा एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है जो हमें सही गलत की पहचान देता है राइट और रॉन्ग को एबसोलूट सेंस में नहीं बोल सकते इसको अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग समय में इंटरप्रेट किया जाता है कोई बात आज यहां सही लग रही है किसी और समय में किसी और कंट्री में ये गलत हो सकती है कोई बात जो यहाँ गलत है कहीं और सही हो सकती है कोई भी सही से सही बात ऐसा नहीं होगा कि उसमें दो परसेंट भी कमी ना हो या गलत से गलत बात में दो परसेंट भी सच्चाई ना हो तो सही और गलत जो है वो अलग अलग कंटेक्ट में डिफाइन होते हैं एब्सोलूट सेंस में हंड्रेड परसेंट सही या हंड्रेड परसेंट गलत आप नहीं बोल सकते ये डिपेंड करता है इन द सोशल इन्वायरमेंट वेयर यू आर लिविंग वेयर यू मूव एंड वेयर यू एक्ट तो ये चीजें सही या गलत जो आप बात करते हैं कई बातों पर निर्भर करता है आप कहां रहते हैं कैसा आपका व्यवहार है कैसा आप एक्ट करते हैं उन चीजों पर डिपेंड करता है तो वैल्यूज मीनस एंड इन बिल्ट मैकेजमिंग्विश द राइट फ्रॉम द रोंग राइट और रॉन्ग यू कैन नॉट इंटरप्रेट इन एबसलूट मैनर एंड इट इज कंटेक्शुअल सराउंडिंग के अकॉर्डिंग कंटेक्शुअल है ट इज देर इज अ ग्रोइंग कंसर्न की इंडियन वैल्यू सिस्टम आर डिटोरिएटिंग डिग्रेडिंग आज कल ये चर्चा का विषय रहता है कि हमारी वैल्यू सिस्टम डिग्रेड हो रही है तो देर इज अ ग्रोइंग कंसर्न फॉर डिटोरिएटिंग वैल्यूज सिस्टम एंड इफ वी आर डेविएटिंग फ्रॉम अवर एक्सेप्टेड वैल्यूज वी आर डिस्टर्बिंग अवर सोसाइटी स्टेबिलिटी तो कंसर्न बढ़ रहा है कि हम अपनी वैल्यू सिस्टम को खराब करते जा रहे हैं डिग्रेड करते जा रहे हैं और जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल वैल्यूज हैं अगर हम उनसे ज्यादा डेविएट हो जाएंगे तो सोसाइटी की स्टेबिलिटी प्रभावित हो जाएगी सोसाइटी में जो एक्सेप्टेबल होना चाहिए जिस तरह समाज चल रहा है अगर उसमें एकदम से ज्यादा बदलाव करने लग जाए या एकदम से वेस्ट को कॉपी करने लग जाए तो हमारा जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का वो अनस्टेबल होने लगेगा उसके स्टेबिलिटी पर खतरा हो जाएगा एकदम से वेस्ट का कल्चर यहां पे आ जाए कई लोग तो कल्चरल शॉक को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे राइट और का एग्जाम्पल दीजिए मतलब, कोई गरीब बच्चा है आपने उसको खाना दे दिया, ये राइट एक्ट है, आपने एब्यूजिव लैंग्वेज बोल दी रॉन्ग एक्ट है पर दुनिया के अलग अलग कोनों में लोग उसमें एक दो परसेंट कमी भी निकाल लेंगे ठीक है तो राइट या रॉन्ग को आप एब्सोल्यूट सेंस में नहीं बोल सकते एबसलूट मेटाफि एक साथ लिखी है मैंने बात राइट और रॉन्ग को आप हंड्रेड परसेंट एक बार में नहीं कह सकते हंड्रेड परसेंट राइट हंड्रेड परसेंट रॉन्ग कल ही मैंने कंटिन्यूम अप्रोच में बताया था देर आर मल्टीपल लेथिक्स को समझने के लिए वी नीड कंटिन्यूम अप्रोच बोथ एग्जिस्ट परसेंटेजरेंट गुड और बैड राइट रॉन्ग बोथ एग्जिस्ट एट द सेम टाइम बट परसेंटेज आर डिफरेंट

भले धर्मों के नाम पर लोग आपस में क्लैश करते हो आपस में झगड़े करते हो पर हर धर्म कहीं ना कहीं इन चीजों की बात तो करता ही है तो हमारे यहाँ धार्मिक विविधता तो है कई सारे रिलीजियन तो हैं, पर कई सारी चीजें ऐसी हैं जो हर धर्म जो है एक ही बात करता है लास्ट पॉइंट यही है तो इर ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटी धार्मिक विविधता होने के बाद भी रिमार्केबल मींस शानदार रिमार्केबल डिग्री ऑफ एग्रीमेंट अबाउट वैल्यूज तो कुछ वैल्यूज हमारे सब रिलीजन से लिंक करती है कुछ वैल्यूज हमारे सब रिलीजन से लिंक करती है तो धार्मिक विविधताएं तो है वेरिएशन तो है पर कुछ वैल्यूज हर धर्म इसकी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट तो वैल्यू सिस्टम हमारे थॉट प्रोसेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है वैल्यू सिस्टम ट्रांसफॉर्मिंग अवर थॉट प्रोसेस टू द हायर लेवल प्योर लेवल हायर लेवल तो वैल्यू सर्व द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग समथिंग सेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लेवल ऑफ कॉन्सियस ट्रू हायर लेवल वैल्यू सिस्टम जो व्यक्ति फॉलो करता है उसका कॉन्सियसनेस का लेवल क्या है उच्च स्तर पे ऊपर के लेवल पर तो वैल्यूज सर्व द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ईएससी सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आज वो यूपीएससी इफ यू चेक लास्ट ईयर लास्ट टू लास्ट ईयर पेपर एज इट इज पॉइंट कुछ भी एक वर्ड भी चेंज नहीं किया था सेम क्वेश्चन आया ई एस में और आपकी कॉपी के नोट्स 19 के हैं वैल्यूज सर्व द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग बिकॉज इट ट्रांसफॉर्म अवर थॉट प्रोसेस टू द हायर लेवल वैल्यू सिस्टम अगर हम फॉलो करेंगे और कोई नहीं फॉलो करता तो हमारा थॉट का लेवल क्या है हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं खुद को ऊपर स्तर पर जा रहे हैं तो वैल्यूज सर्व द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग इन द सेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस टू द द्योर हायर लेवल जबकि स्किल जो होता है यस्टरडे आई गिव एन एग्जांपल ना ड्राइविंग ड्राइविंग इज स्किल बेस्ड थिंग स्किल बेस्ड थिंग तो स्किल इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर इफ यू आर ट्रेनिंग 200% फॉर ड्राइविंग 200% विल लर्न ड्राइविंग तो स्किल इज रिलेटेड टू एफिशिएंसी स्पीड डेक्सटेरिटी मींस एक्सपर्टीज डेक्सटेरिटी मतलब होता है एक्सपर्टीज निपुणता दक्ष होना तो स्किल जो है वो रिलेटेड है मेथड ऑफ डूइंग वैल्यू रिलेटेड टू प्रोसेस ऑफ बिकमिंग तो वैल्यू ट्रांसफॉर्मिंग योर थॉट ट्रांसफॉर्मिंग योर पर्सनैलिटी टू द हायर लेवल बट स्किल बेसिकली गिविंग यू सम यू कैन से सम इन्फॉर्मेशन सम नॉलेज फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग कारपेंट्री बट इट्स नॉट रिलेटेड टू योर मेंटल अपलिफ्टमेंट नो वैल्यूज ट्रांसफॉर्मिंग यूर मेंटल एबिलिटी रिगार्डिंग टू अर्न मनी टू इंश्योर योर सर्वाइवल बट इट इज नॉट रिलेटेड टू योर मेंटल अपलिफ्टमेंट वैल्यू आपकी बुद्धि के स्तर को ऊपर के स्तर पर ले जाता है जबकि स्किल आपकी बुद्धि के स्तर से संबंधित नहीं है वो आपको पैसा कमाना खर्चा चलाना अपना थोड़ी बहुत जानकारी किसी चीज के बारे में होना आपको किसी काम में एक्सपर्ट बनाना पर आपकी ये बुद्धि के लेवल को ऊपर ले जाता हो स्किल ऐसा तो नहीं कर रहा 200 लोगों को आप ड्राइविंग सिखा रहे हो क्या उनके बुद्धि के स्तर को ऊपर ले जा रहे हो पर वैल्यू सिस्टम की जब बात करेंगे एजुकेशन देखो ट्रेनिंग इज रिलेटेड टू स्किल इज इट अपलिफ्टिंग इज इट अपलिफ्टिंग योर माइंड ट्रेनिंग इज रिलेटेड टू ट्रेनिंग इज रिलेटेड टू स्किल ट्रेनिंग गिविंग यू सम स्किल तो इज इट चेंजिंग योर मेंटल स्किल नो बट एजुकेशन रिलेटेड टू वैल्यू एजुकेशन इज रिलेटेड टू वैल्यू तो वैल्यू सर्व द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग आपकी बुद्धि के स्तर को ऊपर ले जा रहा है प्योर और हायर लेवल पे जबकि स्किल आपको कुछ सिखा रहा है ये कोई मेंटल अपलिफ्टमेंट नहीं कर रहा है वैल्यूज पर्सन टू पर्सन वेरी करता है सब्जेक्टिव इन नेचर स्किल ऑब्जेक्टिव इन नेचर जो रूल ड्राइविंग के हैं सबके लिए है सब सीख जाएंगे वैल्यूज तो सब्जेक्टिव है स्किल ऑब्जेक्टिव है क्या ये समझ आ रहा है वैल्यू सिस्टम के द्वारा एजुकेशन आपको वैल्यू दे रही है आपको ऑनेस्टी इंटीग्रिटी सब चीज सिखा रही है एजुकेशन पर स्किल जो है वो आपका मेंटल लेवल डेवलप तो नहीं पर ये बेसिकली कुछ काम जिससे आप कमा सको खर्चा चला सको ये कोई मेंटल अपलिफ्टमेंट की बात नहीं है तो ट्रेनिंग जो है वो स्किल से रिलेटेड है एजुकेशन वैल्यू से रिलेटेड है देखो एजुकेशन इज मोर रिलेटेड टू वैल्यूज वेर एज ट्रेनिंग इज मोर क्लोजर टू स्किल बोथ टर्म्स आर क्लियर और नो ये टर्म्स क्लियर हैं एजुकेशन इंपार्टिंग यू वैल्यू सिस्टम आपकी मदर कुछ सिखा रही है या एजुकेशन से कुछ आ रहा हो वैल्यू सिस्टम रिलेटेड है बट ट्रेनिंग गिविंग यू स्किल ट्रेनिंग से आप स्किल तो गेन कर सकते हो बट ट्रेनिंग से आप वैल्यू सिस्टम डेवलप कर लोगे वो मुश्किल है वैल्यूज प्रोवाइड अस तो वैल्यूज चेंजिंग अवर पर्सनैलिटी वैल्यू सिस्टम चेंजिंग अवर पर्सनैलिटी वैल्यूज प्रोवाइड एस विद ए यूनिक पर्सनल एंड मोरल टेम्पलेट टेम्पलेट मीन्स वन स्ट्रक्चर खाका हिंदी में बोलते हैं खाका तो वैल्यू आपको एक यूनिक पर्सनल और मोरल एक खाका देता है एक आपका स्ट्रक्चर डेवलप करता है जो सबकॉन्सियस माइंड में सबकॉन्सियसली आप अपने एक्शन में फॉलो करते रहते हैं तो वैल्यूज गिविंग यू नॉलेज विच यू आर यूजिंग सब इन योर बिहेवियर Value system giving you some knowledge which you are using in your day-to-day activities subconsciously, subconsciously, so uh, value system provides us with a unique, personal and moral template that that knowledge we are using subconsciously in your behavior. So values provide us with a unique personal and moral template that we use subconsciously to assessment evaluate and judge check the intention and action of other and ourselves both so it gives you understanding about yourself as well as others action and reaction so values provide us with a unique personal and moral template that we use subconsciously to check evaluate assess and judge the intention and action of ourself and other so it gives you proper understanding about yourself and about others एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द लाइकली आउटकम ऑफ योर एक्शन रिएक्शन की आप जो डिसीजन ले रहे हैं उसका क्या रिजल्ट होने वाला है इसके बारे में भी और आप इसको पहचान सकें आप किसी से डील कर रहे हैं कुछ बात कर रहे हैं आप अपना डिसीजन ले रहे हैं उसके बारे में एक समझ विकसित करना तो वैल्यू सबकॉन्सियसली आपको एक नॉलेज दे रहा है आपके सबकॉन्सियस माइंड में एक चीज डाल रहा है कि कैसा आपको व्यवहार होना चाहिए कोई आपके साथ कोई व्यवहार कर रहा है उसको ऐसे आप कर पाए आप किसी चीज का कोई एक्शन ले रहे हैं डिसीजन ले रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होने वाला है एक प्रॉपर समझ डेवलप करना तो वैल्यूज प्रोवाइडर्स यूनिक पर्सनल एंड मोरल टेम्पलेट दैट वी यूज इन आवर बिहेवियर टू एसेस एंड चेक इंटेंशन एंड एक्शन ऑफ अवर सेल्फ एज वेल एज अदर एंड रिजल्ट ऑफ अवर डिसीजन लाइकली आउटकम ऑफ द डिसीजन वट एवर डिसीजन यू आर टेकिंग वॉट विल बिट रिजल्ट

हम जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं जहां हम रहे हैं जो हमारी सराउंडिंग रही है तो समय के साथ बहुत सी चीजें हमारे व्यवहार में आ गई जिनको हमने कभी बैठ कर सोचा भी नहीं आज आप बैठ कर सोचोगे कि मैं बचपन से किन किन चीजों को फॉलो करता रहा हूं और फॉलो करता रहा हूं बिना उस पर कोई क्वेश्चन रेस किए हुए कभी मैंने बैठकर सोचा ही नहीं कि ये सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं आज अगर मैं बैठ के क्रिटिकल थिंकिंग करूं या लॉजिक लगाऊं तो मुझे पता चलेगा मैं ये क्यों कर रहा हूं उसका कोई कारण ही नहीं है कई सारी चीजें हमारे बिहेवियर में फॉलो करते जाते हैं क्योंकि जिस सोसाइटी जिस जगह से हम आते हैं उसका प्रभाव हमारे बचपन से रहा है हम हमेशा फॉलो करते चले जा रहे हैं बिना कोई क्वेश्चन रेस किए हुए और कभी बैठकर अगर हम सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि कोई लॉजिक तो हमने लगाया ही नहीं सब मान रहे हैं तो हम भी मान रहे हैं ठीक है तो मेनी ऑफ अवर वैल्यूज आर रिलेटेड टू अवर चाइल्डहुड अवर प्लेस अवर कल्चर एंड रादर देन रेजिंग एनी क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिक हियर वी आर फॉलोइंग दिस कंसेप्ट If you are thinking ki, why I am following this rule from my childhood, since my childhood, then you will realize ki, sir, I am following this concept since my childhood without any logic. Because from past 20-30 years, I am following everyone doing that. That's why I am also doing that. But if you think carefully, then you will found that no, no sir, this method is not correct. Still I am following it, but without any logic, without critical consideration.

तो मेनी ऑफ अवर वैल्यूज आर ड्राइव रिलेटेड टू अवर सराउंडिंग और रादर देन क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिक नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट तो दे आर द प्रेग्मेटिक आउटकम एंड ग्रेजुअली दिस थिंग रिफ्लेक्ट्स इन अवर बिहेवियर फॉर एग्जाम्पल इन योर चाइल्डहुड यू सॉ कास्टिज्म एंड ग्रेजुअली इट रिफ्लेक्ट इन यूर बिहेवियर स्टिल नाउ नाउड

विदाउट मच लॉजिक और प्रिटिकल कंसिडरेशन प्रेगमेटिक का मतलब होता है व्यवहारिक व्यवहारिक कि हम अपने व्यवहार में इन चीजों को फॉलो करते जा रहे हैं कभी हमने इस पर तो विचार ही नहीं किया कि हम ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो दे आर द प्रेगमेटिक आउटकम ऑफ वॉट वी हैव एक्सेप्टेड एस ट्रू किन चीजों को हमने सही मान लिया है सही मान लिया है और उन पर विचार ही नहीं किया बिना विचार किए सही मान लिया है कई सारी चीजें हम अपने व्यवहार में ले आए हैं उनको सही मानकर जबकि हमने विचार ही नहीं किया कि वाकई में सही है कि नहीं ये लिखा है तो दे आर द प्रेग्मेटिक आउटकम प्रेगमेटिक मतलब व्यवहारिक हम अपने व्यवहार में इसको ले आए और इसको हम सही मान लिए बिना इस पर क्रिटिकल कंसिडरेशन किए हुए ठीक है कई चीजें हम अपने इंट्यूशन और फेथ से मान लेते हैं रादर देन लॉजिक यही लिखा है कई चीजें हम अपने इंट्यूशन और फेथ से भरोसा कर लेते हैं बिना उस पर लॉजिक लगाए हुए ऐसी बहुत सी चीजें आपको मिलेंगी जैसे गांव वाव में जाओगे कभी बलि देते हैं पूजा पाठ के समय आप भी उसमें शामिल हो जाओगे पूछोगे भी नहीं क्यों कर रहे हैं और पूछने जाओगे तो कहेंगे नहीं नहीं देवता बुरा मान जाएंगे ऐसे मत करना तो आप सोच ही नहीं पाओगे तो कई सारी चीजें आप अपने इंट्यूशन और फेथ के हिसाब से चलते रहते हैं बिना उन पर लॉजिक लगाए हुए उसके लॉजिक में जाओगे आपको जवाब ही नहीं मिलेगा आपको लगेगा क्यों कर रहा हूं मैं भले आप आई एस पी सी एस हो गए तो भी आप वो रूल फॉलो कर रहे हो मतलब दिमाग आपका उस चीज से फ्री नहीं हो पाया है आप उतना करेज ही नहीं दिखा पाते कि उस चीज से बाहर निकल पाओ समझ पा रहे पॉइंट समझ आ रहा है अरे फिलोसफी एथिक्स वगैरह जो कह रहा है उसके अलावा कई बार हम ऐसी चीजें मान लेते हैं जो बचपन से अपने सराउंडिंग से देखते हुए आ रहे हैं सूर्यांश क्या नहीं समझ आया फिलोसफी एथिक्स वगैरह जो ज्ञान की बातें कर रहा है हम उन, उन हर चीज को उसके एंगल से नहीं विचार करते कई चीजें सोसाइटी से हमको बचपन से मिलती चली गई हम उसको एडॉप्ट करते चले गए ये मतलब है उस बात का कि फिलोसफी एथिक्स के हिसाब से हम हर चीज को इवेल्यूएट नहीं करते हम लोग कई चीजें हम अपने रिलीजियन अपनी सराउंडिंग अपनी फैमिली से इनहेरिट कर लेते हैं बचपन से तो इंट्यूशन और फेथ के बेसिस पे कई चीजें हम अडॉप्ट कर लेते हैं बिना लॉजिक के तो वैल्यूज आर समथिंग वी क्वालिफाई एज गुड एंड आर प्रिपेयर टू सेट अवर ओन गोल इन लाइफ फर्दर मोर वी यूजली डू नॉट इंक्लूड हमारी फिजिकल नीड्स का जो सेटिस्फेक्शन उसको हम वैल्यू में एड नहीं करते फूड शेल्टर क्लॉथ दिज आर नॉट पार्ट ऑफ वैल्यूज अवर सर्वाइवल अवर फिजिकल नीड्स आर नॉट पार्ट ऑफ वैल्यूज ऑनेस्टी इज वैल्यू सेल्फ रिस्पेक्ट इज वैल्यू टॉलरेंस इज वैल्यू बट फूड क्लॉथ आर नॉट पार्ट ऑफ वैल्यूज तो वो यही लाइन कह रहा है कि जो हमारी फिजिकल नीड्स हैं कपड़ा रोटी मकान ये वैल्यू सिस्टम में नहीं आते तो वी यूजली डू नॉट इंक्लूड सेटिस्फेक्शन ऑफ अवर फिजिकल नीड इन द वैल्यू कंसेप्ट तो कंसेप्ट ऑफ वैल्यू क्या है हमारा गोल जो इमीडिएट सर्वाइवल से हटकर हो मतलब रोटी कपड़ा मकान वगैरह को किनारे करके जो हमारा गोल है वो वैल्यू है तो वैल्यू आर समथिंग जो जो जरूरी है हमारी लाइफ के गोल्स में एक्सेप्ट इमीडिएट सर्वाइवल या एक लाइन में कहें वैल्यूज वो चीज है जो आपकी फिजिकल नीड्स को हटाकर हम बात कर रहे हैं फिजिकल नीड्स वाला वैल्यू में नहीं शामिल होता तो वैल्यू वो चीज है जो आपको अच्छा बना रही है आपके लाइफ के उद्देश्य का पार्ट है और आपकी फिजिकल नीड्स रोटी कपड़ा मकान इसका पार्ट नहीं होता तो द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू डिस्क्राइब दैट पार्ट ऑफ अवर गोल विच इज नॉट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ये लाइन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू डिस्क्राइब दैट पार्ट ऑफ अवर गोल विच इज नॉट नेसेसरी फॉर अवर सर्वाइवल फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर पुअर पर्सन यू हैव नो फूड तो इज इट पॉसिबल कि एनी पर्सन कैन टॉट यू एथिक्स वैल्यूज इफ यू हैव नो फूड फॉर फाइव टू सेवन डेज यू हैव नो क्लॉथ यू हैव नो शेल्टर तो इज इट पॉसिबल टू डेवलप वैल्यू सिस्टम इन साइड यूर सेल्फ नो भूखे पेट भजन नहीं होता किसी गरीब आदमी को आप खाना नहीं खाया हो पांच दिन से वैल्यू एथिक्स सिखाओगे सीखेगा क्या डंडा लेके दौड़ा लेगा तुम्हें कि पहले खाना लाओ तब बात करना दैट इज द रीजन की वाई मोस्ट ऑफ द रिच पीपुल मोस्ट ऑफ द रिच पीपुल बिकेम एसेटिक

टू टो टू टीच एथिक्स और वैल्यूज टू रिच पीपुल बिकॉज देर बेसिक नीड्स वॉट फुलफिल्ड बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टीच एथिक्स टू पुअर पीपुल बिकॉज दे आर फाइटिंग एवरी डे फॉर देअर बेसिक सर्वाइवल देट इज द रीजन कोई पुअर पर्सन है उसको एथिक्स वैल्यू सिखा पाना डिफिकल्ट है क्योंकि उसके बेसिक सर्वाइवल पर ही खतरा है उसकी रोज रोज की जद्दोजहद उन्ही चीजों पर है जब बेसिक सर्वाइवल ही नहीं होगा तो ये चीजें कहां सिखा लोगे पर कोई रिच पर्सन है ज्यादातर जो धर्मात्मा बड़े बड़े महात्मा और राजा के बेटे हुए क्यों हुए क्योंकि उनको इन चीजों में नहीं पढ़ना था इस लग्जरी को उन्होंने इतना भोग लिया था इतना एंजॉय कर लिया था उसके ऊपर क्या उसके ऊपर उनको समझ आया अध्यात्म तो रिच पर्सन को अध्यात्म जल्दी समझ आता है ठीक है क्योंकि बेसिक फाइट नहीं है उसके सर्वाइवल पे तो ये कह रहे हैं कंसेप्ट ऑफ वैल्यू हमारे वो गोल हैं इमीडिएट सर्वाइवल वाले को हटाकर रोटी कपड़ा मकान को हटाकर सेप्ट ऑफ वैल्यू डिस्क्राइब करता है हमारे गोल के उस पार्ट को जो जरूरी हमारे सर्वाइवल से सीधा जुड़ा नहीं है पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी गरीबी और असमानता सबसे बड़ा एनिमी है वैल्यू सिस्टम के लिए पॉवर्टी एंड इन इक्वालिटी इज बेस्ट एनिमी अगेंस्ट दिस वैल्यू सिस्टम तो इफ पॉवर्टी इज देयर इनइक्वालिटी इज देयर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट वैल्यू सिस्टम इन साइड योर सेल्फ

परिस्थितियों के आगे सरेंडर कर देते हैं अच्छे हैं एथिक्स वैल्यूज फॉलो करते हैं पर ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि कई बार इससे कंप्रोमाइज करना पड़ जाता है उनको क्या यह समझ आया पॉइंट समझ आया पॉवर्टी एंड इन इक्वेलिटी गरीबी और भुखमरी दो सबसे बड़े दुश्मन हैं ह्यूमन वैल्यूज के कि अगर गरीबी और गरीबी असमानता भुखमरी ये सब अगर चीजें सामने आती हैं तो कोई अच्छा व्यक्ति भी कंप्रोमाइज कर लेता है अपने वैल्यू सिस्टम से तो पॉवर्टी एंड इन इक्वलिटी में समटाइम्स फोर्स सम गुड पर्सन ऑल्सो टू कंप्रोमाइज विद देर ह्यूमन वैल्यूज तो आज की क्लास कंप्लीट है पॉइंट एवरी वन ऑल ऑफ आर गेटिंग दिस कंसेप्ट और नो तो टू क्लास कंप्लीटेड किसी को नहीं समझ आया तो मुझे बताएं नहीं क्या स्थिति है ठीक से समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है कि टफ लग रहा है या अच्छा लग रहा है पढ़ने में तो बताएं तो नोट्स अगर ज्यादा नहीं लिखने हो तो प्रिंट आउट आप चाहे तो पीडीएफ का निकाल के उसी में अपडेट कर सकते हो जो मेडिशनल लिखू क्लास के साथ लिखना हो तो क्लास के साथ लिख लो पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल ऐप में भी और वेबसाइट uh, पे भी तो यू कैन अपडेट दैट पीडीएफ ऑल्सो और इफ यू वॉन्ट टू राइट यू कैन मेक योर ओन नोट बोथ आर पॉसिबल अब बिल्कुल मत आना राजू आज से क्लास में नहीं आना आपको आना नहीं है आओगे मैं ब्लॉक भी कर दूंगा बिल्कुल नहीं आना आपको और आप आओगे क्या ब्लॉक ही कर देता हूं मैं आपको आने की जरूरत भी नहीं है मेरी किसी भी क्लास में आप मत आया करिए कहीं और से पढ़िए मैं बार बार बोल रहा हूं आपको अब मेरी क्लास में मत आया करिए राजुल और आओगे तो ब्लॉक ही कर दूंगा मैं मेरे से मत पढ़िए आप पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते हो तो तुम्हें पढ़ना वैसे भी नहीं है ठीक है चलो क्लास गुड नाइट गुड नाइट ऑल ऑफ यू